अस्सलाम वालेकुम, वीकेंड इज ओवर, वी आर बैक। आप देख रहे हैं नया दिन, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफताब। दो छुट्टियां थी और उसका जिक्र उन्होंने कर दिया कि वो खत्म हुआ। जिस जिसकी छुट्टी थी मेरी छुट्टी थी, जिन की छुट्टी नहीं थी उन्हें जिनकी क्या परवाह। प्लीज बैठे। तो भाई छुट्टी एक्साइटिंग थी। एक्साइटिंग जिसकी थी लेकिन जिसकी छुट्टी नहीं भी थी उसने मैच से छुट्टी नहीं ली। मैच जरूर देखा तो है और देखना भी चाहिए, ना भी चाहिए था। क्या बात थी ना जी, क्या फाइनल था, क्या टेबल मेरे बहुत करीब क्यों है, फाइनल था मैगा इवेंट का, मैगा फाइनल। एक मैच में ऐसा लगा दो दो फाइनल। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 241 रन बनाए। ड्रामा तो जनाब उस वक्त शुरू हुआ जब मुकर्ररा ओवर्स में इंग्लैंड ने मैच बराबर किया, फिर आया सुपर ओवर। इंग्लैंड ने 16 रन का हदफ दिया था और इस हदफ के ताकुब में कीवी बैट्समैन गुप्ता रन आउट हो गए, मैच फिर बराबर हो गया। तब फैसला ज्यादा बाउंड्रीज पर इंग्लैंड के हक में हो गया, ये कुछ हो गया। बहरहाल जो भी इस मैच को विटनेस करता रहा उसका यही कहना है, ऐसा मैच शायद ही कभी दोबारा देखने को मिले। ये क्या बात है किरण, जिसकी बाउंड्री ज्यादा उसका मैच हो गया, ये तो अजीब सी बात है। क्योंकि मोहल्ले की क्रिकेट हो रही थी। खैर छोड़ें, लेट्स बी पॉजिटिव। आपको पता है पाकिस्तान मैच जीता है। आप पता नहीं क्यों मुझे इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की बातें कर रही है। जीते भाई, इंग्लैंड ने मैच, पाकिस्तान ने मैच जीता है। कब, किधर, कौन सा इवेंट था, दिखा रहे हैं आपको सारा फुटेज। पाकिस्तान ने मैच जीता है और हमारे पार्लियामेंट की क्रिकेट टीम ने मैच जीता है, तो ये भी वर्ल्ड कप था, आप इसे इग्नोर तो ना करें। और आप इसको गली मोहल्ले की क्रिकेट भी नहीं कह सकते। नहीं कह सकते, मैं वैसे बातें गली मोहल्ले वाले अक्सर करते हैं जब ये ऐवान में होते हैं। एनीवेज कोई बात नहीं, मैच जीते हैं। लेकिन वापस आ जाएं, जरा मौसम की बात कर लेते हैं। कराची का मौसम बड़ा जबरदस्त है, हवाएं चल रही हैं, लेकिन गर्द आलू हवाएं चल रही है। गर्द आलू हवाएं किरण इसलिए चल रही है क्योंकि जिम्मेदार हम खुद हैं। जब दरख्त नहीं लगाएंगे, पौधे नहीं लगाएंगे, तो हवाएं जो चलेंगी गर्द आलू ही होंगी। आप और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और कौन सी हवाएं चलेंगी? वैसे हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही थी कि बजट की मंजूरी के बाद जितने भी मामला होंगे सुधर जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों में ताजरों ने बजट को आवाम दुश्मन करार दिया है और हड़ताल की है। अगर हम कराची की बात कर लेना तो यहाँ पर इसका असर बाजारों में बड़ी हद तक दिखाई दिया। दुकानें बंद थी, मार्केट्स बड़ी हद तक बंद थी। तो ये तो हमने ताजरों की बात की, उनकी हड़ताल की बात की। अब ज़रा कुछ स्टेटमेंट्स अहम वो भी शामिल कर लेते हैं। सियासी रहनुमा क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा अवाम का मुआशी कत्ल हो रहा है, अब इससे ज़्यादा की बर्दाश्त नहीं, अब या तो इंतखाब होगा या फिर इंकलाब आएगा। उन्होंने काफी वाजे ये बात की है। और अब जरा हम एक खबर की बात कर लेते हैं। कल से हंगामा बरपा है और शुरू के 3-4-5 घंटे हुकूमती वज़रा ने सिर्फ इसी की बात की थी, उसके बाद काफ़ी कुछ हो गया था, लेकिन दोनों जाने थोड़े थोड़े से शुभात रहे। डेली मेल में सहाफ़ी डेविड रोस ने स्टोरी फाइल की, शहबाज शरीफ जलजला इमदाद भी खा गए क्या? इमदाद देने वाला इदारा यानी DFID खुद इसकी तरदीद कर रहा है, लेकिन सहाफ़ी अपनी खबर पर कायम है। इस सब के शोर में मरियम औरंगजेब आई, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा हम ये सारी बातें रद्द करते हैं। उन्होंने खासी मजबूत बातें भी कर डाली, जैसे कि उन्होंने जो टाइमलाइन बताई वो काफ़ी वैलिड था। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये इमरान खान और डेविड रोज की पुरानी तस्वीर क्यों दिखाई गई? क्योंकि किरण बिल्कुल, वो जो लाल कुर्ते वाली तस्वीर थी खान साहब की, वो उस वक्त बहुत वायरल हुई थी, बहुत डिस्कशन हुई थी, बड़ा ट्रेंड हो गया था रेड कुर्ते का। तो सबको याद है कि वो उन्होंने रेड कुर्ता कब पहना था, रेड कुर्ता कब पहना था। लेकिन ये सवाल वो सवाल, ये फैक्ट वो फैक्ट, लोग घन चक्कर से हो गए हैं कि आखिर मामला कहां जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम और मामला लाए हैं आपके लिए नया दिन। आज हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, हम बिल्कुल श्योर हैं कि हम कौन से मामला पर आज आपसे बात करेंगे। तो नजर डालते हैं नया दिन की टॉप स्टोरी। क्या मुल्क में शीशा कैफेज दोबारा खुलने जा रहे हैं? सेनेट कायमा कमेटी बराए सेहत का शीशा सेंटर्स दोबारा खोलने के लिए कानून साजी का फैसला, पाबंदी क्यों लगी और क्यों हटेगी, जानिए कुछ देर बाद। मुल्क में हर साल 60,000 बच्चे आरज़ा कल्ब के साथ पैदा होने लगे, जामे कराची में मुनक्कदा सेमिनार में इंकशाफ। बलूचिस्तान में दिल के मरीज बच्चों के लिए तो कोई इदारा ही मौजूद नहीं, अहम मामले पर डिटेल से करेंगे गुफ्तगू नया दिन में। ताजिरों की मुल्क गिर हड़ताल, कारोबार की बंदिश से कितना नुकसान हुआ, मुल्की मईशत पर कितना असर पड़ा, अतीक मीर और अयाज मोतीवाला से जानेंगे कारोबार का हाल।
रवा हफ्ते मुल्क का मौसम कैसा रहेगा, कहां बादल बरसेंगे, कहां सूरज आंखें दिखाएगा, क्या कराची वाले बरसात में भीग सकेंगे, मौसम की क्या है कहानी, बताएंगे मेट्रोलॉजिस्ट जवाद मेमन। घर बैठे खाना पकाओ लाखों रुपए कमाओ, मुबशर सिद्दीक खाना पकाकर लाखों रुपए कमाने लगे। सियालकोट के लखपति यूट्यूबर बनेंगे आज नया दिन के मेहमान। पाकिस्तानी फिल्म हीर मांजा आ रही है सिनेमा घरों में धूम मचाने, ईद उल अजहा पर रिलीज होने वाली फिल्म में है क्या कुछ, प्रोग्राम नया दिन में बताएंगी अदाकारा हरीम फारूक और अदाकार अली रहमान। हाँ, आज तो बहुत सारी खबरें हैं, बहुत अच्छे अच्छे मौजूदात हैं हमारे पास आपको बताने के लिए, लेकिन आज हमारे पास मौशरे की एक तस्वीर भी है आपको दिखाने के लिए। एक तस्वीर तस्वीर नहीं होती, एक तस्वीर तो आईना होती है। आज हम आपके सामने एक ऐसा अक्स रखते हैं जो हिम्मत बहादुरी और खिदमत की आला मिसाल है। इस तस्वीर के बारे में हम इतनी बात क्यों कर रहे हैं आपको दिखा देते हैं। मैं एक मुहाफिज, मेरा मकसद तहफ्फुज़ देना, फिर चाहे हालात जो भी हों खतरों से लड़ जाना, मुश्किल हालात में भी जिंदगी आना, यही है मेरा मिशन, मैं हूँ मददगार। ये तस्वीर बयां कर रही है रोज मुश्किलात से लड़ते रजाकारों की कहानी, जो अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर दूसरों के घर आबाद रखते हैं, जो न सिर्फ जान बचाते हैं बल्कि खुशी का सामान भी बनते हैं। ऐसे रजाकारों को हम सलाम पेश करते हैं। आगे बढ़ते हैं और इटालियन आर्टिस्ट का जिक्र करेंगे जो कि सादा सी इमारतें होते हैं लेकिन उस पर इस महारत से फनपारे बनाते हैं कि पूरी जो इमारत है, वैसे इमारत 3D तो होती है लेकिन वो अमली तौर पर हम कहेंगे 3D का इमेज पेश करती है। वाह वाह, जस्ट लुक एट इट, इट्स ब्यूटीफुल। और ये इटली में पीटा नामी फनकार हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन के ये माहिर हैं। यस, ऑप्टिकल इल्यूजन। और वो कुछ इस तरह से रंग करते हैं कि हर जाविये से पेंटिंग मुनफरद दिखाई देती है, हर एंगल से आपको मालूम होगा कि अच्छा ये 3D है और यहाँ से इसका जरा ये वाला एंगल है। तो पीटर ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि उनकी सबसे मशहूर पेंटिंग जर्मनी के शहर में एक सड़क के किनारे है जो इसी साल बनाई गई है, और ये पेंटिंग सफ़ेद नीले और सुरमई रंग पर मुश्तमिल जो हम आपको दिखा भी रहे हैं, और इमारत मुकम्मल 3D यानी वो मे बी स्ट्रेट बिल्कुल हो उसकी वॉल, लेकिन कहने को तो इसकी खिड़कियां हैं दरवाजे हैं लेकिन इन्होंने इमेज ऐसी बनाई है कि जैसे कहीं घुलाई हो, कहीं पर चोंच सी निकल रही हो, नोक सी तिकोन सी सामने आ रही हो, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो डिजाइन है ना ये सारे का सारा बना हुआ है, बना बना कुछ नहीं है, पेंट किया हुआ है। ब्यूटीफुल। और अब हम आपको बताते हैं कि जापान में क्या हुआ। जापान में खास नस्ल के अंगूरों का पैकेट $11,000 में फरोख्त हुआ, यानी अगर पाकिस्तानी रुपीस की बात की जाए तो इसकी कीमत 17,40,000 रुपए के बराबर है। बड़े खास अंगूर हैं। बहुत खास हैं जी, देखिए तो ये गुलाब जामुन जैसे लग रहे हैं। आपको गुलाब जामुन लग रहे हैं, लोगों को तो ये रूबी के जैसे लगे हैं, गहरी सुर्ख इनकी रंगत है ये अंगूर, जो श्वेब को गुलाब जामुन लगे रूबी रोमन ग्रेप्स कहलाते हैं, और इन्हें खास अंदाज में काश्त किया जाता है। इतना आसान नहीं है इसको काश्त करना, इसके लिए नायाब अंगूरों की बोली भी लगाई गई। एक ताजर ताकाशी होसुकावा ने $11,000 की खतीर रकम देकर इन्हें खरीदा। अंगूरों के पैकेट में 24 दाने यानी एक अंगूर $485 का है, जो 70,000 पाकिस्तानी रुपए के लगभग है। एक अनार 100 बीमार तो सुना था, एक अंगूर और इतनी इसकी रकम देखा पहली बार। ये अंगूर खट्टे हैं, हमें नहीं मिल रही है। आप मुझे इशारा दे रहे हैं कि मैं इस जुमले को मुकम्मल करूं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये तो अंगूर थे और जो कि मेरे लिए गुलाब जामुन थे, बट एनीवेज मेरे लिए तो इस वक्त सब कुछ गुलाब जामुन है ना, जो नजर आए मुझे मैं कहता हूँ यार अच्छा ये स्मार्टफोन यूज करे यार, मतलब ना करो यार ना करो, ये आपके लिए जहर है, नहीं मीठा जहर है तो ये भी आपके लिए जहर है स्मार्टफोन। और इसीलिए आपने बॉयकॉट का फैसला किया था, तो स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के बॉयकॉट का अब ये दूसरा हफ्ता शुरू हो गया। पहला हफ्ता कैसा रहा था, इन्होंने हमको कितना परेशान किया, ये खुद कितने परेशान हुए, जरा कोशिश करते हैं आपको दिखाएं। नहीं हुआ परेशान।
स्मार्टफोन किसी नशे से कम नहीं। जब ये बात मोहम्मद शुएब ने समझी तो प्रोग्राम में स्मार्टफोन बॉयकॉट का ऐलान किया। मैं करने ही जा रहा हूँ किरण के इट कुड बी अ डिफिकल्ट टास्क बट राइट नाउ मैंने डिसाइड किया है, लिटरली मैंने डिसाइड किया है कि मैं स्मार्टफोन का यूज बंद कर दूंगा। अरे इम्पॉसिबल है शुएब, मैं करूंगा। इब्तिदा में इंतहाई मुश्किल था जिसके लिए मोहम्मद शुएब ने नया दिन की टीम से मदद मांगी। ऑनेस्टली मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए ड्यूरिंग द शो, इवन आफ्टर दैट, इवन बिफोर दैट। जाहिर है हम सब कनेक्टेड थे व्हाट्सएप पे, हम सब कनेक्टेड थे मेल पर, हमें कंटेंट मिलता था, लेकिन मैं व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकूँगा। थोड़े दिन शायद मैं मेल भी यूज़ ना कर सकूँ, जाहिर है मुझे भी लैपटॉप ढूंढना है, मैं लैपटॉप ढूंढूंगा, मैं अपनी मेल उसमें करवाऊंगा आउटपुट क्योंकि उसमें नहीं है। फिर स्मार्टफोन की आदत से छुटकारा पाने की थेरेपिस्ट से रहनुमाई के लिए पहुंचे। सी कितना ड्रास्टिक चेंज है, इतना ड्रास्टिक चेंज है। उस एक लम्हे के अंदर 1400 बायोकेमिकल चेंजेस इंस्टेंटली आपके जिस्म के अंदर। Oh my God. प्रोग्राम की तैयारी में अपना हिस्सा डालने के लिए मोहम्मद शुएब ने स्मार्टफोन के बजाय घर में लैपटॉप का आरजी सहारा लिया। मेल चेक करनी है, that is why I'm using laptop, और मुझे वाकई लैपटॉप ढूंढना पड़ा कहाँ है, इसकी केबल कहाँ है, क्योंकि ज़रा हम यूज ही नहीं कर रहे थे वो। Everything was in smartphone. बॉयकॉट का मजबूत नतीजा ये सामने आया कि मोबाइल फोन के बजाय फैमिली और सेहतमंद सरगर्मियों के लिए वक्त निकाल सके। जबरदस्त शाम है और मोबाइल फोन का यूजेज जब कम करना है, सोशल मीडिया का यूजेज जब बिल्कुल खत्म करना है, तो अपने वक्त को अच्छी तरह से स्पेंड करना है। जदीद दौर में जहाँ स्मार्टफोन इंसानी जरूरत है, वहीं इसका ज्यादा इस्तेमाल एक ऐसा नशा है जो जहनी तनाव जैसे मसाइल का बायस बन रहा है। तो इनके मामलात पर हमने नजर रखी हुई है, कहीं ऐसे ना हो कि गलती से भी ये स्मार्टफोन यूज कर लें। वैसे इन्होंने ओथ तो ले रखी है कि एक महीने तक कम से कम करेंगे। नहीं, गलती ये पता क्यों नहीं हुई किरण, क्योंकि वो स्मार्टफोन जो है उसमें ना इंस्टाग्राम है, ना उसमें फेसबुक है, ना उसमें ट्विटर है, तो वो तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट्स नहीं है जो मैं इस्तेमाल करके टाइम वेस्ट करता था। डायलॉग दिला दिया आपने, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो भाई मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मुझे नहीं मालूम ये कौन है, लेकिन मेरी तो पिक्चर्स आ चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं नासिर जंजुआ की, और इस सिलसिले में आपको बताया नवाज शरीफ से ताल्लुकात के नाकाबिल तर्दीद सबूत है जो समझ सामने लेकर आया है। साबिक वजीर आजम से नासिर जंजुआ ने जेल में कई मुलाकातें की हैं। वो 16 मई को भी मियां साहब से मिलने कोट लखपत जेल पहुंचे थे। समा का कैमरा ये मनाजिर महफूज करता रहा। आरिफ मलिक की रिपोर्ट। नवाज शरीफ की नासिर जंजुआ से एक नहीं बल्कि मुलाकातें हुई। समा नासिर जंजुआ से तालुकात के नकाबले तर्दीद सबूत ले आया। सिर्फ 23 मई नहीं बल्कि इससे पहले 16 मई को भी नासिर जंजुआ नवाज शरीफ से मिलने कोट लखपत जेल गए थे। ये खसूसी मनाजिर गौर से देख लें। नवाज शरीफ के मुलाजिम हाजी शकील नासिर जंजुआ को जेल से बाहर रिसीव करने खुद गए। हाजी शकील ने नासिर जंजुआ को कहा, आपका नाम मुलाकातियों में सरे फहरिस्त है, आपसे पहले कोई रहनुमा नहीं मिलेगा। नासिर जंजुआ ने नवाज शरीफ के पर्सनल सेक्रेटरी हाजी शकील को अपनी गाड़ी में बिठाया और फिर उन्हें लेकर जेल के अंदर रवाना हो गए। 16 मई को जब नासिर जंजुआ नवाज शरीफ से मुलाकात कर रहे थे, परवेज रशीद, जाहिद हामिद और राना मशहूद समेत दीगर अहम रहनुमा जेल के बाहर खड़े हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ आरिफ मलिक, समा, लाहौर। बात करेंगे रहनुमा नून लीग उस्मा बुखारी, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मा साहब बहुत शुक्रिया, नायब इनको अपने वक्त दिया। उसमें सब है इमरान खान और बरतानवी सहाफी की मुलाकात की, जो तस्वीर नून लीग ने दिखाई है वो तो मैडम इलेक्शन से पहले की है। डेली मेल की स्टोरी एक तरफ, तो फिर पुरानी तस्वीर को नया करके पेश क्यों किया गया है? नहीं देखिए, हमने वो तस्वीर इसलिए दिखाई कि बहुत क्लोज इन कॉन्टेक्ट है ये डेविड रोस साहब, और इनका पीटीआई से काफ़ी पुराना एक ताल्लुक है, और जिस जो स्टोरी जो ये बनाई गई है, स्टोरी जो एतवर साहब ने जो है वो फीड की है सहाफ़ी को, और इसमें इम्पॉर्टेंट सवाल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इम्पॉर्टेंट अब हम अहम इशू की तरफ क्यों नहीं जा रहे। अहम इशू ये है कि यूके जो है उसने खुद संडे वाले दिन उनको अपने दफ्तर खोल के जो उनके डेवलपमेंट काउंसिल है उसको इसका रिबटल देना पड़ा। यूके एड ने इसका रिबटल दिया और उन्होंने कहा कि ये गलत है, झूठ है। और तीसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि जलजला से पंजाब हुकूमत का क्या ताल्लुक है। जलजला आया 2005 में, फंडिंग शुरू हुई 2008 से 12 तक, और वो हुई कश्मीर के इलाकों में जलजला आया, केपीके में जलजला आया,
और वहां पर जो है सूबाई हुकूमतों का कोई ताल्लुक हो सकता है, पंजाब की हुकूमत का जलजले से क्या ताल्लुक है? और फिर यह है कि खुद यूके एड ने भी कहा और ये फैक्ट भी यही है कि वफाकी हुकूमत और इरा के जरिए जो है ये फंड जो है, और ये उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इरा को देते रहे, और उन्होंने ये भी कहा है यूके एड ने कि हम जो प्रोजेक्ट्स जो बनते थे वो जब कंप्लीट हो जाया करते थे तो फिर हम अपनी रीइंबर्समेंट करते थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान को बदनाम करने का और पाकिस्तान की तबाही करने का ठेका ले लिया है। पहले जहां भी वजीर आजम जाते हैं पाकिस्तान को सुक्की करा के आते हैं अपनी हरकतों और आदात की वजह से, और अब जो मुल्क जो इदारे हमारे साथ कुदरती आफात में बुरे वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं, उनको ये इंप्रेशन देना, उनके साथ ये सलूक करना कि जो बरतानवी हुकूमत है उसको भी एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ गई इस कंकॉक्टेड स्टोरी को जो है वो करने के लिए, और ये क्वेश्चन मार्क हम पे नहीं है ना नून लीग पे है, ये क्वेश्चन मार्क अगर बनता है तो उस वक्त की हुकूमत वफाकी हुकूमत इरा और ये जो अब की हुकूमत है उसके लिए है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा सर, अब हमें इस बारे में भी बता दीजिएगा, अपोजिशन जमातें इकट्ठा हुई हैं और अब बिलावल भुट्टो जरदारी आइंदा हुकूमत बनाने की बात कर रहे हैं, वो दावे कर रहे हैं, क्या नून लीग दोबारा हुकूमत में आने की कोशिश नहीं करेगी? और क्या आप नहीं समझती कि बिलावल भुट्टो का ऐसा दावा करना अपोजिशन के इत्तेहाद को कमज़ोर करेगा? देखिए, मैं नहीं समझती कि हर एक पार्टी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और हम जब इलेक्शन लड़ेंगे तो यकीनन एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे फिर से, और उसके बाद हुकूमत जो है उसी की बनेगी जिसको अवाम वोट देंगे। सिलेक्टेड हुकूमत की बात मैं नहीं कर रही, मैं अवाम के वोटों से आने वाली हुकूमत की बात कर रही हूँ। और जिस तरह से मैंडेट चुराया गया है इस इलेक्शन के अंदर इस सिलेक्टेड वजीर आजम के लिए, तमाम अपोजिशन पार्टीज के उस पर कंसर्न्स हैं, और मैं नहीं समझती कि जिन हालात में इमरान खान साहब मुल्क को ले आए हैं किसी भी आने वाली हुकूमत के लिए को बहुत आसान काम होगा हुकूमत करना या लोगों को जो है रिलीफ देना। इस वक्त हमारी जीडीपी कहाँ है, महंगाई की हालत जो है वो क्या है, आम आदमी के मसाइल में जिस तरह से इजाफा हुआ है वो उसके साथ मैं समझती हूँ कि तब्दीली का जो एक रंग और रोगन हुआ हुआ था वो बहुत बुरी तरह से बेनकाब हो रहा है, लोग अब जो है वो पुराने पाकिस्तान को दुहाइयाँ दे रहे हैं। तो बिल्कुल हम हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे नए और फ्रेश मैंडेट के साथ और अवाम के वोटों के साथ, किसी चोर दरवाजे से नहीं, किसी सिलेक्टेड वजीर आजम की जो है वो कोशिश ना हमने पहले कभी की है ना दोबारा करेंगे। अच्छा उस्मा साहिबा, ये भी बताइएगा कि एक वीडियो मरियम साहिबा सामने लाई थी, बहुत उस पर वावेला भी मचाया गया था, लेकिन एक वीडियो समा ने भी नाजरीन को दिखाई थी, क्या लगता है नवाज शरीफ साहब का जो केस है वो किस जानिब जा रहा है? मुझे मालूम है कि एक्सक्लूसिव का बहुत जमाना है और वो है क्या समा ने जेल जाते हुए जंजुआ साहब की मुलाकात का एक वो बनाया कि जी मुलाकात हुई, तो मतलब देन व्हाट, इससे क्या अखज क्या करना चाहते हैं? मरियम नवाज शरीफ साहब ने जो वीडियो दिखाई मतलब उसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता इसके साथ। जो हम पूछना चाह रहे हैं ना वो पता क्या है, नासिर जंजुआ की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की फुटेज समा सामने लेकर आया था, उन्हें जेल में जाते हुए देखा गया, इसके बावजूद जो क्यादत है आपकी नासिर जंजुआ को पहचानने से और मुलाकात करने से साफ इनकार कर रही है, सिरे से मना कर रही है, ऐसा क्यों? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये आपने कैसे कह दिया कि हम इनकार करते रहे हैं। मैं खुद भी ऑन रिकॉर्ड हूँ, मुझसे भी ये सवाल पूछा गया था और मैंने इससे कभी इनकार नहीं किया। नासिर जंजुआ साहब को भी यकीनन मुलाकात मियाँ साहब से हुई होगी और उसमें कोई मजायके की बात नहीं है, वो जेल में है, उनसे तो बहुत सारे लोग मिलने जाते हैं। मैं समझती हूँ कि इम्पॉर्टेंट बात यह कि नासिर जंजुआ की जज साहब से मुलाकात कैसे हुई, जो वो खुद कहते हैं मुझे धमकियां दी और मुझे फलाना किया, वो मुलाकात ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। उस्मा साहिबा बहुत शुक्रिया, साथ आप मौजूद थी, और जिस तरह उस्मा साहिबा आप कह रही थी कि आप ऑन रिकॉर्ड आपने गुफ्तगू किया तो हमें याद है जब आपने कहा था कि ना मैं तरदीद कर रही हूँ ना मैं तस्दीक कर रही हूँ, लेकिन इससे पहले जो आपने सहाफ़ी से मुतल जब मैंने पहला सवाल किया था उन्होंने कहा कि खुद बरतानिया तरदीद कर चुका है लेकिन सहाफ़ी अपनी खबर पर बहरहाल कायम है। लेकिन फिर भी अगर पर्टिकुलरली इसी मामले के ऊपर बात की जाए तो ना वो इकरार करते हैं ना वो इनकार करते हैं, कुछ ऐसे ही मामला नहीं, अब थोड़ा चेंज नहीं लगा आपको इनकी स्टेटमेंट? बाकी लोगों की भी सुननी पड़ेगी बात, फिर कहेंगे कि जी हाँ जी तब्दीली आ गई। एनीवेज बढ़ते आगे और उस तब्दीली की बात करते हैं जिसका इम्पैक्ट आया थोड़ा खतरनाक इम्पैक्ट है, क्योंकि शहर शहर हड़ताल की खबर तो आई और शहर हड़ताल हुई, जरा शहर शहर हड़ताल जरा मुख्तलिफ सी हुई, यानी हम बात करें हफ्ते के दिन की। ताजर तंजीमों की कॉल पर मुल्क भर में शटडाउन हड़ताल की कॉल दी गई,
रवां माली साल के बजट में नए टैक्स इकदाम और दस्तावेजात की शरात के खिलाफ कराची तक खैबर तक कारोबारी सरगर्मियां ठप रही, और उधर हुकूमत ने ताजरों के मुतालबात तो कबूल न किए, अलबत्त मुख्तलिफ शहरों में ताजर तंजीमें जरूर बढ़ गईं। ये भी हुआ कि ताजर तंजीमें बढ़ गईं, दूसरे ये कि वाकई बाजारों में रौनक नहीं थी, वीकेंड पर अच्छा खासा रश होता है, ऐसा भी नहीं देखा गया। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, कम से कम यहाँ भी यही सूरत हाल रही, इससे पहले से गुजरावाला में और फैसलाबाद में यही सब कुछ हो रहा था, लाहौर में भी कुछ ऐसे ही मनाजिर देखे गए, तो मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ अपडेट्स रहीं इस बारे में। अब दो मामलात हैं, एक वाकई ताजरों के जो मुतालबात हैं वो किस हद तक उनकी बात दुरुस्त है, दूसरी बात ये कि ये जो नुकसान हो रहा है इसे भुगतेगा कौन, इसके ऊपर भी बात करना बहुत ज़रूरी है, और तीसरा ये कि हुकूमत माने न माने इस सब में कितनी देर होती चली जा रही है। तो हम आज कोशिश करते हैं इसी सिलसिले में बात कर सकें, और हमको इसी सिलसिले में ज्वाइन कर रहे हैं अयाज मोतीवाला साहब, अतीक मीर साहब भी ताजर रहनुमा हमको ज्वाइन कर रहे हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं मोतीवाला साहब से ना। सर वेलकम टू नया दिन, ये फरमाइएगा कि क्या होने जा रहा है, किस तरह से आप इस सिचुएशन को देखते हैं, एहतजाज हुकूमत के सामने रखे गए मुतालबात, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये टैक्स देंगे आप, तैयार हैं, प्रॉब्लम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दो जुमलों से शुरू करूँगा कि जो कौमें अपनी ज़ात के मफादात के खोल में कैद कर दी जाती हैं और जो कौमें सियासत से मुँह मोड़ कर जुल्म सहने की आदि हो जाती हैं तो उनसे कमतर हुक्मरान उन पर राज करते हैं। सबसे पहले तो ये देखा जाए कि क्या दुनिया में एहतजाज होते नहीं, और अगर एहतजाज होते हैं तो क्या एहतजाज मुआशरे में अमन के खिलाफ होते हैं? क्या एहतजाज इसलिए होते हैं कि आपने हमें साफ पानी दे दिया? क्या एहतजाज इसलिए होते हैं कि आप हमसे टैक्स क्यों नहीं ले रहे? आपको पहले देखना पड़ेगा कि ये कहते हैं कि जी आटे पर टैक्स नहीं लगाया लेकिन बिजली के नर्ख बढ़ा दिए, ये कहते हैं जी आटे पर रेट नहीं बढ़ाया लेकिन डीजल पेट्रोल के नर्ख जिसमें नकलो हमल आटे की होती है उसके ऊपर उन्होंने रेट बढ़ा दिए। वो कहते हैं कि जी हमने आटे पर टैक्स नहीं बढ़ाया लेकिन गैस की कीमतें महंगी कर दी। आपका रुपया डी वैल्यू होने से आप एक्सपोर्ट के काबिल उन्होंने रखा नहीं, तो उन्होंने फिर कोई मुनज्जम फार्मूला भी आवाम को पेश नहीं किया। एक तो हमारी कौम को 71 सालों से पारा पारा कर दिया। जो मुनज्जम बात वो करने जा रहे हैं वो तो ताजर उसके लिए मान रहे, दो छोटी छोटी सी बातें हैं, वो डॉक्यूमेंटेड करना चाह रहे हैं तो वो कह रहे हैं इसके लिए CNIC जरूरी है, उसमें क्या कबाहत है? CNIC जरूरी नहीं है लेकिन ऐसे मुल्क में CNIC मांग रहे हैं जहां पर फालूदे वाले के अकाउंट खुल जाते हैं। CNIC ऐसे मुल्क में मांग रहे हैं जहां पर आप ही ने ये शोशा छोड़ा कि एक वेल्डर का अकाउंट खुल गया और उसके अंदर 20 करोड़ रुपए निकले। मैं काम तो कर रहे हैं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। देखिये जी, आज जो आवाम है उसे मैं ये कहूँ कि आप 50,000 रुपए के साथ मुझे NIC अपना दे दें तो वो कहेगा क्यों भाई, मैं क्यों आपको अपना NIC दे दूं? तो मेरा कस्टमर जो मेरा रोजगार हल्का फुल्का बचा है, सबसे पहले तो आप कस्टमर में आवाम में ये एतमाद पैदा करते थे कि जी हम आपको डॉक्यूमेंट करना चाह रहे हैं और डॉक्यूमेंट के साथ साथ आप हमसे एक लेटर ले लें। अयाज मोतीवाला साहब, ये आप जो बात कर रहे हैं कि आवाम नहीं देगी, ये मफरूजा है? ये मफरूजा नहीं है, हम सड़क के ऊपर चलते हैं। मैं अगर जाऊंगा दुकान पे और मैंने गोल्ड परचेज करना है, मुझसे आप कहेंगे आईडी कार्ड की कॉपी दो, तो मैं क्यों नहीं दूंगा? मैं ये कहता हूं कि आप आईडी कार्ड की कॉपी ना मांगे, आप उससे नंबर ही ले लें। अच्छा, आप नंबर ले लें तो उनको ये चाहिए कि हर दुकानदार को पहले बुला करके ये कहें कि जी हम आपको गवर्नमेंट की जानिब से ये एक ऑथेंटिक तस्दीक शुदा लेटर आपको दे रहे हैं। ये लेटर जब आपके पास होगा तो आप जिस तरह से हम नादरा का फॉर्म लेने जाते हैं शनाख्ती कार्ड बनाने, तो हम किसी भी सड़क से फॉर्म लेकर जमा नहीं करा सकते, नादरा का तस्दीक शुदा फॉर्म होता है। हम ये कह रहे हैं कि आप एक तरतीब वजह करें कि हमारा बिजनेस भी ना मुतासर। आपने कहाँ कहा है ये? हम जहां जहां मीटिंग्स हो रही है कह रहे हैं। और रिस्पॉन्स क्या मिलता है? रिस्पॉन्स ये मतलब रिस्पॉन्स पाकिस्तान में कोई विंडो नहीं है। हमने ये कहा कि आप इससे बेहतर ये है कि हर दुकानदार से अव्वल तो आप टैक्स बरतानिया का लेना चाह रहे हैं और सहूलियत कामों की देना चाह रहे हैं। टैक्स बरतानिया का है? मैं कुछ और कह रहा हूं आपसे, क्या आप हमसे टैक्स तो बरतानिया के लेवल का लेना चाह रहे हैं? हम देना भी चाह रहे हैं लेकिन फिर सहूलियत आप कांगो की दे रहे हैं, आप साफ पानी नहीं दे रहे, सेहत नहीं दे रहे, सफाई नहीं दे रहे। दलील मैं कुछ और कह रहा हूँ, ये कि मुल्क को इस पर जरूरत है, हम मरात नहीं दे सकते, हमको टैक्स की जरूरत है, हमको पैसे की जरूरत है, पाकिस्तान को आपके कोऑपरेशन की जरूरत है। मैं फिर ये कह रहा हूँ, मेरा टैक्स एज ए कंज्यूमर, एज ए अवामी शहरी, ताजिर भी तो कंज्यूमर है ना, और एज ए अवामी शहरी मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर एज ए ताजिर मुझसे आप टैक्स लेते हैं तो एज ए अवामी शहरी मेरे हुकूक भी आप देने के पाबंद हैं। आप सबको अलग अलग मत कीजिए, यानी मैं आपसे कहता हूं आप 17% टैक्स लें लेकिन 17% टैक्स लेने से बेहतर ये नहीं है कि मेरी अगर दुकान तो ऐसे गुजरे ना जिसमें ताजिर को बेनिफिट मिला था, उसको काम करने में सहूलत रही थी,
ऐसा भी हाँ, ताजिर को ऐसे बेनिफिट मिले कि पाकिस्तान 30,000 अरब रुपए का कर्जदार हो गया, 100 अरब डॉलर पाकिस्तान के खाने वाले आज भी मुल्ज़िम हैं, मुजरिम नहीं है, और ताजिर अमीर हो गए, अपने पक्के मकानों में तो पहुंच गए। लेकिन जो हालात हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स को आप समझें, आप एक तरफ तो इनडायरेक्ट टैक्स भी ले रहे हैं और दूसरा डायरेक्ट टैक्स भी ले रहे हैं, तो आप इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स एक प्रोडक्ट पे ले रहे हैं, मुझे मानते हुए बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। मैं मानते हुए टैक्स देने को तैयार हूं, मैं ये कह रहा हूं मेरी 200 स्क्वायर फीट की दुकान है, आप 200 स्क्वायर फीट के ऊपर फिक्स टैक्स लगा दें। अतीक साहब को आप लें, मैं कोशिश करती हूं ना कि मैं कोशिश करती हूं, ये बताइएगा फिक्स टैक्स के ऊपर अगर 200 गज की दुकान में आप लोग मतलब इसको मैनेज किस तरह से कर रहे हैं, ज्यादा कमा रहे हैं, ज्यादा कमा रहे हैं। कोई भी प्रोडक्ट हमारे पास इनडायरेक्ट आती है, डायरेक्ट प्रोडक्शन हम नहीं कर रहे, या तो एक प्रोडक्ट वो है जो इम्पोर्ट हो रही है, इम्पोर्ट तो पोर्ट से होते हुए आपके पास डेटा आ रहा है ना, कितने कंटेनर निकल रहे हैं पाकिस्तान में, यहाँ तो आपके पास डेटा है, आपकी प्रोडक्शन तो है नहीं। अतीक साहब, लेकिन इसका जवाब आप भी दे दीजिएगा प्लीज। देखिए सारी हल मौजूद हैं, अब तक लॉक्स नहीं हुए हैं। दुनिया में कहीं पर भी कोई सक्कम आता है, कोई रुकावट आती है, कोई मसला आता है, तो अब मिसालें मौजूद हैं, जिस तरह भी बरतानी की बात आई, फ्रांस में, जर्मनी में, कि स्टेक होल्डर से अगर टैक्स में कहीं कोई कन्फ्यूजन होती है, टैक्स के रेट्स में कन्फ्यूजन होती है, तो स्टेक होल्डर से डायलॉग्स होते हैं। हमारे यहाँ डायलॉग्स होते ही IMF से हैं, और IMF का चूँकि अब दबाव इतना बढ़ चुका है कि जब हमारी महसूलात का आधा हिस्सा सूद में जाता है, तो ज़ाहिर उसकी शराइत भी हैं मज़ीद कर्जे देने के लिए, वो पाकिस्तान को मज़ीद शराइत में दबोच लेते हैं, तो और FBR ताजरों पर वो भारी एजेंट रख देता है। अभी बात हो रही थी, देखिए जैसे ये एक वैल्यू एडिड टैक्स जिसका अभी लोगों को पता ही नहीं है, और इम्प्लीमेंट करने की इससे कबल जब भी कोशिश की गई लोगों ने पिछले 20 साल के दौरान, इतनी वर्थ कभी नहीं थी, स्ट्रेंथ मैशियत में कभी भी नहीं थी कि वैल्यू एडिड टैक्स अदा किया जाए। ये बरतानवी और यूरोप की तर्ज के ये टैक्स है, एक शायद तो दुबई में भी है, वहाँ तो कोई इतराज नहीं हुआ, वहाँ पर भी लगा, वहाँ पर भी लोग पे कर रहे हैं। देखिए वहाँ तो एक स्टेबल हो गया ना एक निज़ाम, वहाँ पर वो एतराजात दाखिल करते हैं कि इसमें ये इस्लाहत कि ये इस्लाहत तलब मामलात हैं, वो उस बिठा लेते हैं उन्हें। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ एक जिद होती है कि बस अच्छा फिर कुछ गैर जिद। अतीक मीर साहब, लेकिन जिद तो फिर दोनों तरफ से है। देखिए पाकिस्तान में ताजिरों ने कभी भी टैक्स देने से इनकार नहीं किया, यानी मैं डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट तो देखिए एक बड़ा वसी निज़ाम है, लेकिन हमेशा जब भी यहाँ टैक्स अफसर का अमल दखल बढ़ा, मामला दबाव की तरफ गया। अतीक साहब, इन्वेस्टमेंट की तरफ। अतीक साहब, मुझे स्पेसिफिकली इस एहतजाज से मुतालिक बताएं, आपने कहा डायरेक्ट टैक्स देने से आप लोग कभी घबराते नहीं हैं, करंटली जो आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, मुझे दो पॉइंट्स बताएं मेन जिसकी वजह से आप एहतजाज कर रहे हैं। देखें वो मेन पॉइंट, एक तो ये इसका पैनिक फैल गया, ये खरीदार से जो NIC की तलबी की बात है, लोग ये समझते हैं कि उनको दस्तावेजी सिस्टम में लाया जाएगा और लाया भी जाएगा। देखिए ये सिस्टम क्या है, इसमें मसला ही क्या है, पूरी मशीत को दस्तावेजात में लाना मकसूद है। ये फिलहाल छोटे ताजरों के लिए मुमकिन नहीं है। क्यों? इसकी बहुत सी वजूहत मैं बयान कर सकता हूँ, इसकी दलीलें मौजूद हैं। इसलिए कि दस्तावेजात में आने के लिए वो तरीका भी ठीक हो कि जिसके तहत टैक्स रेट मुनासिब हो। अगर आप कहें कि आपकी टर्नओवर पे आपको आपसे हम 1.5% मुनाफा लेंगे, असेस करेंगे, तो और मेरा 1.5% नहीं है मुनाफा, तो मैं कैसे अपनी सही तो मुनाफा तो आपको शो करना पड़ेगा। अतीक मीर साहब, फॉर एग्जांपल 200 गज की दुकान है और साथ भी 200 गज की दुकान है, मैं अपनी आमद अपनी पूरी आमदनी देकर भी नहीं बच पाऊंगा, तो मैं क्यों अपना मैं उसमें डॉक्यूमेंटेशन में आऊंगा। जब तक मुनसिफाना जस्टिफाइड एक सिस्टम नहीं आता, अब मैं समझता हूँ ये इंतजार रहेगा। सर, एक दुकान की जो मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर अगर एक दुकानदार 10,000, 5,000, 8,000, 20,000 रुपए दे रहा है और वो दुकान ही करोड़ से ऊपर की है, तो आप मुझे खुद समझाइए ना फिर। ये तो फिर आपको भी पता है कि मार्केट में बैठा हुआ शख्स ये केस ज्यादा बेहतर जानता है, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपकी बात मैं बिल्कुल इसको मैं
दुरुस्त कहता हूँ कि इस शोर में, छोटे ताजरों के शोर, वो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े चोर लुटेरे ताजरों के अंदर हैं। मैं नहीं कहता सियासतदानों ही में हैं, ताजरों में बैठे हैं, वो उन्हें मौका मिलता है, वो इसमें तो बड़े बड़े चोर लोकेट किसने करने हैं सर। और मुझे साथ में ना आप अपनी बात मुकम्मल करते हुए ये भी बताइएगा, सैटरडे को मार्केट में जो बड़ी बड़ी आउटलेट्स थी वो खुली हुई थी, लेकिन जो दुपट्टा गली है, जो छोटा ताजर जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, उसका शटर डाउन था। ये बताइए, सफरर कौन है इसमें, फिर उसके लिए कौन सोचेगा? देखिए, वो जो दुपट्टा गली या इस तरह की आप बात, ऐसा भी होता है, वो इशू पर तो एक होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि एक दूसरे को बड़ा मानना। अगर बकर ने हड़ताल कॉल किया है तो उसको जैद मुखालफत करेगा, ये जात की जंग थी, मसला सबका एक है। वो भी वही कहते हैं जिन्होंने जो दुकानें खुली थी, जो हम कहते हैं। और देखें, कुछ दुकानें उनको तो पता भी नहीं इशू क्या है, वो ईद के दिन भी खुल जाती है और वो दुकानें क्यामत के दिन भी खुल जाएंगी। चले, मैं बड़े मॉल्स के लिए ये वाली बात मान लेती हूं। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा, क्या हुकूमत ने आप लोगों से कहा है सारी सिचुएशन को देखने के बाद में, वहां से कुछ इशारे मिले कि बैठते हैं, बात करते हैं, मसले को सुलझाते हैं? जी, मुझे कल ही इशारे मिले हैं, और इससे कबल भी देखें शब्बर जैदी बारह कह चुके हैं कि इस पर बैठ की बात हो सकती है। इत्तेफाक है, वो जिन जिन लोगों से अलग अलग मुख्तलिफ सेक्टर से मिले हैं तो उनसे उनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि स्मॉल ट्रेडर्स के जो मामलात हैं, हम जब भी बैठेंगे, जो कि मतवक़ो है कि रवा हफ्ते में बैठ जाएंगे, इसमें बेहतरी आएगी। और कुछ शरायत ऐसी हैं, जैसे इस पर एक पैनिक है शनाख्ती कार्ड की शर्त पे, ये एक अच्छी बात है, जो मेरी मालूमात है ये IMF की शर्त नहीं है। अब ये इसको भी अगर हटा भी दिया जाता है, यानी मुकामी तौर पे इसको हटा के कोई और आप तरीका कार लाएं कि जिसपे आप उन लोगों तक पहुंच सकें जो टैक्स बचाते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, अपने हिस्से का टैक्स नहीं देते, ठीक है। लेकिन जी जी, ये मफरूजा बिल्कुल भी गलत है कि ताजिर टैक्स देना नहीं चाहता। ताजिर आज से देखें 20 साल पहले टैक्स देने वाले की तादाद ज़्यादा थी, आज कम है। उसकी वजह भी यही है कि जो जो निज़ाम में सख्ती आती गई, जो जो आपका तरीक़ाकार गैर मुनसिफाना होता गया, टैक्स की शरें बढ़ती गईं। आपने देखिए कितनी अजीब सी बात है कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी को इनकम टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया गया, अब उसे 4 लाख कर दिया गया, यानी अब जबकि एक वॉल्यूम बढ़ गया आपने उसकी शरह को कम कर दिया। तो इस तरह के जब मजाक होते रहेंगे, इस तरह के मामलात होते रहेंगे, तो यकीनी तौर पे नेट से लोग वापस आएंगे। तो ये आपको तो इशारे मिले, आया सब, आप बताइएगा हुकूमत के साथ में बैठ के बातचीत करते हैं, मामला सुलझ गया, अच्छी बात है, दोबारा शटर डाउन की तरफ तो नहीं जाएंगे या जाएंगे? अगर मुल्की मफाद में कुछ हुआ और हमें अपनी बात मनवानी पड़ी, अव्वल तो अल्लाह ना करे ऐसा वक्त है। और आपके इल्म में एक बात लाता चलूँ, आपके जो शनाख्ती कार्ड वाली बात है, और इन्होंने जो डॉक्यूमेंटेड कहा है, हमारे यहाँ पर तालीम की शरह बहुत कम है, दुकानदारों में भी, छोटे दुकानदारों में भी। हमने इनसे ये कहा कि आप कम से कम एक वैल्यू एरिए के हिसाब से ही कम से कम रख दें। फ़र्ज़ कर लें कि एक दुकानदार को आप कहते हो कि जी डॉक्यूमेंटेड करें, तो उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, तो उसने 2.5 लाख रुपये सालाना पर कोई बंदा हायर करके रखना है और उसका टैक्स बनता है 30,000 रुपये, तो आप 30,000 मत लें, आप 70,000 रुपये ले लें। लेकिन कुछ बैठ के ताजिरों से बात की जाए, कोई ग्राउंड जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको आप सपोर्ट करें, तो ना एक वैलिड पॉइंट वाकई के बैठ के, या कम से कम दुकानदार से आप उसकी तालीमी काबिलियत पूछ लें कि भाई अगर इंटरमीडिएट या तुम बीकॉम पास हो तो अपनी डिग्री पेश करो, और उसके बाद जो है आप अपने बिजनेस को देखते हुए। अगर एक शख्स कहता है मैं अनपढ़ हूँ और मुझे कलम चलाना नहीं आती लेकिन मुझे AC बेचना आता है, तो AC तो 70,000 रुपये का है, तो AC बेचकर वो लिखवाने किससे जाएगा कि भाई इसका मुझे डॉक्यूमेंटेशन कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि इस पर फिर कंप्यूटर भी चाहिए हर शॉपकीपर को हिसाब किताब लिखने के लिए या उसका डेटा देने के लिए, क्योंकि जाहिर है कि वो एक ई लिंक ही के जरिए जाएगा, तो ये भी दुकानदार का द्वार है, सब यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर की शायद जरूरत नहीं रहेगी, सब है तो बिल्कुल बारीक बारीक छोटी-छोटी सबको पता है। लेकिन हमारी ख्वाहिश है टैक्स कलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। अगर आपकी जो खूबसूरत बात मुझे लगी कि दुबई में भी है, तो मेरी अल्लाह से दुआ कि दुबई जैसा पाकिस्तान भी हो जाए, ना कि सिर्फ टैक्स देने में। और रही बात 71 सालों से कुछ ना कुछ हम दे ही रहे हैं, इसके बाद भी 4% दे रहे थे। अच्छा, हुकूमत की एक बात आपके चैनल पे मैं बताता चलूं कि पाकिस्तान दुनिया का खूबसूरत, जी मैंने सुन ली, और दुनिया का वाहिद पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क है जहां पर आज हम दुनिया के किसी एक शोबे में तरक्की ना कर सके। और आखिरी बात, ये कहते हैं अगले साल तरक्की होगी,
तो सबसे पहले तो शब्बर जैदी साहब और हुकूमत आवाम को ये बताए, जब आपने ऑलरेडी बजट में खसारा 3,000 अरब रुपए एडवांस अगले साल के लिए दिखा दिया है, सवाल तो अगले साल जी पॉइंट आ गया सर, आपका पॉइंट आ गया। थैंक यू सो वेरी मच, आप लोग हमारे साथ थे और हम बात कर रहे थे वो शटडाउन हड़ताल की कि जिसको ऑब्जर्व किया गया है मुल्क भर में, लेकिन अब जरा हम बात कर लेते हैं हवाओं की। हाँ, मौसम की बात करते हैं, रवा हफ्ते मुल्क का मौसम कैसा रहेगा, कहाँ बादल बरसेंगे, कहाँ सूरज आंखें दिखाएगा और क्या कराची वाले यानी हम बरसात एंजॉय कर सकेंगे क्या, रात के यहाँ बारिश होगी तो मौसम का हाल क्या है ये बताएंगे। हमें ज्वाइन किया है मेट्रोलॉजिस्ट जवाद मेमन साहब ने। जवाद साहब थैंक यू सो वेरी मच, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं मौसम कैसे, हवाएं तो चल रही हैं, कोई बादल शादल ये आएंगे कि नहीं? जी, मौसम की कराची के हवाले से बात करें तो कराची में फ़िलहाल अच्छी तेज़ हवाएं चल रही हैं और आज रात या कल तक ये हवाएं चलती रहेंगी। और रही बात तेज़ बारिश की, तो फ़िलहाल इस हफ़्ते को इतने ज़्यादा चांसेस नहीं हैं, लेकिन लेट नाइट अर्ली मॉर्निंग हल्की फुल्की बारिश, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हमें मिलती रहेगी, बादल भी रहेंगे। वो हल्की फुल्की भी बहुत है, वो इतनी हो जाए हमारे लिए बहुत है। और बाकी जिस तरह का है ना हवा चले तो सबसे अच्छा तरीका यह है जनाब, कि मैं तमाम व्यूअर्स से कह रहा हूँ कि दरवाजे खिड़कियाँ खोल कर रखेंगे तो घर तो आएगी, कोई बात नहीं हवा भी आएगी, एसी बंद करें, खिड़कियाँ खोलें, बिजली का बिल भी कम हो जाएगा। तो वैसे ओवरऑल अगर जवाब साहब हम देखें, स्मार्टफोन तर्क करके बहुत तेज चलता है आपका दिमाग, बहुत तेज चलता है। अच्छा ये बताएं टेम्परेचर करंटली कितना है कराची में, और अगर हम पूरे हफ्ते पे इसको देखें तो कितना रहा है ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम? टेम्परेचर इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कराची का काफ़ी बेहतर है, क्योंकि तेज़ हवाएं चल रही हैं तो टेम्परेचर जो है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। इस वक्त भी 34 से 35 डिग्री के दरमियान है और रवा हफ्ते भी जो है ये 34 से 36 डिग्री के दरमियान ही रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा गर्मी के चांसेस नहीं है। और ये हम कराची की बात कर रहे हैं, ज़रा कुछ मुल्क के दीगर हिस्सों के बारे में बता दीजिए, अपर एरियाज के दीगर हिस्सों के बारे में बात की जाए तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अपर हाफ में यानी कि केपी के आज़ाद कश्मीर और पंजाब में इस वक्त ज़बरदस्त बारिशें हो रही हैं, मानसून बारिशों का आगाज़ हो चुका है और रवा हफ्ते भी इसी तरीके से ये बारिशें चलती रहेंगी, स्पेशली बुध और जुमेरात तक। ये जो सिस्टम इस वक्त मौजूद है ये हमारे यहाँ ऊपर पंजाब और अपर एरियाज़ में जो है वो बारिशें देता रहेगा, स्पेशली जो हमारे बड़े शहर हैं इस्लामाबाद, पिंडी, पेशावर, फैसलाबाद, इन एरियाज़ में मौसलाधार बारिशें भी हो सकती हैं। ओके, वापस आ जाएं कराची, क्योंकि मैं वहाँ इसलिए रहना नहीं चाह रहा, बहुत अच्छा मौसम है, जब जा नहीं सकते तो बात कम करेंगे हम बाकी। तो मुझे ज़रा बताएं स्पेशली समंदर से मुतालिक सी व्यू, और फिर जितना हम बलूचिस्तान की तरफ चले जाते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा समंदर साफ भी है, तो समंदरी हवाएँ तो चल रही हैं देख रहे, लेकिन ये जो वेव्स हैं ये जो हम देख रहे हैं कि हाई टाइड्स हैं ये ऐसी ही रहेंगी? ये हाई टाइड्स जो हैं अगले एक से दो दिन मज़ीद रहेंगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अभी जो तेज़ हवाएं हैं कराची और ये पाकिस्तान का जो सारा जो पिकनिक बेल्ट है, जो सी बेल्ट है, यहाँ पर हवाएं तेज़ रहेंगी अगले एक से दो दिन तक, तो इसके साथ साथ हाई टाइड भी रहेगी, लेकिन इंशाल्लाह बुध जुमेरात तक काफ़ी हद तक चीज़ें सेटल हो जाएंगी। ओके, थैंक यू सो वेरी मच जवाद साहब, साथ अब मौजूद थे और मौसम गुफ्तगू कर रहे थे, ना सिर्फ मुल्क भर की जिसमें ज़ाहिर है बहुत से शहर ऐसे हैं जहाँ बारिश हो रही है, बट कराची वो शहर है जहाँ बारिश नहीं हो रही, बट होगी बारिश, हल्की फुल्की ही सही लेकिन बारिश होगी, हवाएं चल रही हैं और क्या चाहिए, टेम्परेचर डाउन हो चुका है, हवाएं चल रही हैं, इन्जॉय करें, इन्जॉय करें भाई, क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। ये अगर हम बात करते हैं ना तो एक इम्पॉर्टेंट मामला आता है, वो है शीशा कैफेज का। क्या मुल्क में शीशा कैफे दोबारा खोलने जा रहे हैं? सेनेट कायमा कमेटी बराए सेहत का शीशा सेंटर्स दोबारा खोलने के लिए कानून साजी का फैसला ये सामने आया जनाब। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सेहत के चेयरमैन मियां अतीक का कहना था कि पाबंदी से पहले तो सिर्फ नौजवान ही शीशा पीते थे, अब पूरा खानदान पीने लगा है, पाबंदी लगाते वक्त जिस कदर खुशी थी अब उतनी ही नदामत, उतनी ही शर्मिंदगी हो रही है। शीशा सेंटर्स जब दुनिया भर में मौजूद हैं तो फिर पाकिस्तान में पाबंदी क्यों? इस मामले पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने इजहार बरहमी किया। सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद ने कहा शीशे पर से पाबंदी किस चक्कर में हटाई जा रही है, रेस्टोरेंट में शीशा ज्यादा नुकसानदेह होगा, पाबंदी हटाना तो सरासर ज्यादती होगी, उन्होंने ऐसा कहा। तो भाई पहले ये फैसला क्यों किया था और अगर अब कर लिया है तो फिर इसको बेहतर बनाया जाए या फिर या तो इसको बेहतर बनाया जाए या कम अज कम ऐसे इकदाम किए जाए जिससे नुकसान कम से कम हो। दो तरफ की बात हमने आपको बताई तो हम क्यों ना इसी सिलसिले में चेयरमैन कमेटी बराए सेहत सेनेटर मियां अतीक से ही बात कर लेते हैं। मियां अतीक साहब,
कैसे कम टू नैदन, ये फरमाइएगा क्या वाकई पाबंदी हटने जा रही है? लोग इस सिलसिले में बहुत कंसर्न्ड है। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया। ये असल में बात ये है कि चंद चीज़ें मैं सामने लाना चाहता हूँ कौम के भी, और वी बीइंग द पार्लियामेंटेरियन, वी बीइंग द लेजिस्लेटर, इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम देखें कौन सा कानून कैसे बनाया गया, अगर वो बना तो बाद में रूल्स एंड रेगुलेशन में उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कराया गया, क्या वो इम्प्लीमेंट हुआ भी या नहीं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आज जब हम बात करते हैं तो किसी चीज़ को भी बैन करने की बात नहीं होती, बल्कि उसको रेगुलेट करने की बात होती है। जब हम डेवलप्ड वर्ल्ड की बात करें तो ये कहीं पर भी बैन नहीं है, ये रेगुलेट होता है। जिस तरह के अगर हम सिगरेट की बात करें तो वो भी एक नशावर चीज़ है, लेकिन चूंकि उसका एक अपना एम्बेट है, उसका एक अपना लेवल है, इसलिए उसको रेगुलेट किया जाता है। दूसरा देखा यह गया है कि जब शीशे को बैन किया गया तो रेस्टोरेंट से निकलकर, शीशा कैफे से निकलकर आज शीशा घरों में आ गया। जो मैंने कहा वो थर्ड डिग्री स्मोक है, जो बच्चे भी इनहेल करते हैं जब ये घरों में शीशा पिया जाता है, और साथ ही साथ बूढ़े भी इनहेल करते हैं, और बिलखसूस वो लोग जो एस्थमिक पेशेंट हैं वो भी करते हैं। दूसरी तरफ जब हम इसके रूल की, कानून की इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो आप भी ज़रूर जानते होंगे कराची के एलीट एरियाज में, पॉश एरियाज में आज भी शीशा सेंटर खुले हुए हैं। इस्लामाबाद की बात करें, F7, F6, F10, उसमें ऐसे शीशा सेंटर्स हैं कि जिनको छापा मारकर एक दिन के लिए भी बंद नहीं किया जाता, अगले दिन वो दोबारा खुल जाते हैं। इन चीजों को देखते हुए हमने ये मुनासिब समझा कि हम अगर ये कोई कानून बना है जिसके ऊपर हम देख रहे हैं तो उसको रिविजिट करें, और बिलखसूस ये देखें, जिस तरह मेरे पास इस वक्त में ये ऑस्ट्रेलिया का एक कानून पड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने वाज़े अल्फाज में ये कहा है, ये है जिसमें वाज़े अल्फाज में ये कहा है कि उसको किस तरह से शीशा स्मोकिंग को ओपन एरियाज में रखा जाए। अंडर यहाँ के नॉर्म्स और वैल्यूज तो डिफरेंट है, हम उससे ऑस्ट्रेलिया से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? एनीवेज मैं आपसे कमेंट लूंगा, लेकिन अभी ज्वाइन किया है हमें डॉक्टर कैसर सज्जाद ने, सेक्रेटरी हैं जनरल, सेक्रेटरी जनरल हैं पीएमए के। सर बताइएगा ये जो मामला है कि पहले लगाई थी पाबंदी लेकिन अब हटने जा रही है पाबंदी, और वो ये कह रहे हैं कि हम जो है ना वो रेगुलेट कर रहे हैं। एक तो बहुत शुक्रिया, और अशीक भाई बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। अगर आप सिर्फ इसलिए कि शीशा घरों में आ गया है तो उसको रेगुलेट करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए उसको रेस्टोरेंट पे डाल देंगे, तो अगर आप इस तरह करेंगे तो देखिए ये एक एडिक्शन है। yes. आप ये गौर कीजिए, ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। एंटरटेनमेंट में और एडिक्शन में बहुत बड़ा फर्क है, एंड दिस इज ए सोर्स ऑफ एडिक्शन ऑल्सो। अतीक भाई, लोग इसके अंदर हीरोइन चस मिला के पियेंगे गली गली में, अगर आप इसको रेस्टोरेंट पे डाल देंगे जनाब, यही तो मैं कहना चाहता हूं, इसी को तो हमने रेगुलेट करना है। नंबर एक, नंबर दो बात, आप नहीं, कतई तौर पर नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, जब दुनिया में नहीं होता यहाँ क्यों होगा? ये आप गलत, बात मुकम्मल करने दीजिए सर, मेरी बात जरा सा अतीक भाई समझ लीजिए, सुन लीजिए अतीक भाई मेरी बात जरा सुन लीजिए। हेलो जी, जी साहब, आप प्लीज बात मुकम्मल करें। मैं सिर्फ अपनी बात मुकम्मल कर लूँ, प्लीज मैं जरा सा अपनी बात मुकम्मल कर लूँ ना, फिर शायद मैं समझा सकूँ। देखिए कानून हमारे यहाँ बेतहाशा है अतीक भाई, आप भी समझते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल निल है। ये आप छोड़ दें कि आप किसी चीज को रेगुलेट कर सकेंगे पाकिस्तान में, कैसे कर सकेंगे, अल्लाह करे के कर सकें, लेकिन एक चीज मुझे ये बता दीजिए कि 2002 का एक कानून है पाकिस्तान में जहाँ पे आप पब्लिक प्लेसेस पे सिगरेट नहीं पी सकते। मैंने आपको एक लेटर भी लिखा है कल, आपको आपने देखा भी है, तो क्या मुझे बताइए कि क्या ये 2002 का कानून पाकिस्तान में बना हुआ ये इम्प्लीमेंट हो रहा है? क्या पब्लिक प्लेसेस पे लोग सिगरेट नहीं पी रहे हैं? अगर आपने शीशा को अलाउ कर दिया तो ये तो रेस्टोरेंट में अगर आपने डाल दिया तो मुझे ये बताइए कि मेरा क्या कसूर है कि मेरी फैमिली के लोग जो है वो जो टोबैको के हैजर्ड से महफूज रह सके, मेरा तो कोई कसूर नहीं है कि मुझे क्यों ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा यानी फेफड़े का सरतान, मुंह का सरतान, जी मालूम है, मैं बताता हूं जवाब देता हूं। अगर ये चीजें हो जाती हैं, दूसरी बात
कि आप ये बताइए कि ये जो शीशा है इसके अंदर शायद आपको पता होगा या तमाम लोगों को पता होगा जो ये खरीदते हैं कि जो उसका पैकेट है उसके ऊपर लिखा हुआ है 60% फ्लेवर्ड होता है वो और 40% उसके अंदर टोबैको होता है। तो लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये टोबैको हम स्मोक कर रहे हैं ये डिफरेंट कलर्स के साथ और ये सारी चीजें। तो मैं समझता हूँ कि खुदारा अगर आप 2% भी टोबैको आप पिला रहे हैं लोगों को तो ये ज्यादती कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल है। और अगर आप सिर्फ इसलिए कि घरों में हो रहा है तो खुदारा ये मैं एक बात बहुत सख्त बोलने जा रहा हूँ कि आप ये शराब और दूसरी चीजें जो है ना जो घरों पे चल रही है इसको भी आम कर दीजिए, इसका भी एक रेगुलेशन बना दीजिए और इसको भी कह दें कि ये आम है और ये हर जगह बाजारों में मिलेगा। कैसे पॉइंट आ गया, बिल्कुल सही बात है। आखिर में बहुत शुक्रिया, मुझे जरा जवाब देने दीजिएगा प्लीज। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन चाहती है कि शीशा और टोबैको और ये छालिया ठीक है सब पर पाबंदी हो। सही मियां तक प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए। जी बहुत शुक्रिया फैसल साहब, माशाल्लाह जरा जज्बाती हो गए थोड़े से और डॉक्टर भी हैं, इनको तो फर्ज बनता है इसको नेगेटिविटी में लेकर जाना, लेकिन इनसे बहुत बड़े बड़े डॉक्टर, ये तो खैर पॉलिटिकल टाइप डॉक्टर हैं, बहुत से बड़े बड़े डॉक्टर दुनिया में है। यूएई एक डेवलप्ड वर्ल्ड है, ऑस्ट्रेलिया को देखिए, लंदन को देखिए, आप अमेरिका को देखिए, आप यूरोपियन यूनियन को देखिए, वहां पर क्यों ये रेगुलेट हो रहा है और हमारे यहाँ एक ही बात की जा रही है। मैं फिर ये कहूंगा हम प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक एक ब्लैक इकोनॉमी से निकालकर डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की तरफ लाने चाहते हैं। क्या आज इंपोर्ट नहीं हो रहा रॉ मटेरियल? बिल्कुल हो रहा है, कोई ड्यूटी नहीं हो रही। इसके गैजेट्स क्या नहीं बिक रहे हैं? किसी किस्म का कोई टैक्सेशन नहीं हो रहा। दूसरी बात ये शीशा कैफे पर बात कीजिए, एक चीज सुन लीजिए, सिर्फ स्पेसिफिक मैं शीशा कैफे की बात कर रहा हूं भाई, उसमें कोई किसी किस्म का टैक्सेशन नहीं वसूल किया जा रहा इसलिए कि उसको बैन कर दिया गया। मेरा यह कहना है कि जब दुनिया में रेगुलेट होता है हम अपनी डेढ़ इंच की मस्जिद क्यों बनाकर फिरे, हम क्यों ना वो रूल्स फॉलो करें जो दुनिया में है। अब आ जाइए, स्मोकिंग इज बैन, यस 2002 के कानून के मुताबिक बिल्कुल पब्लिक प्लेसेस पे, मैं खुद दुनिया लोगों की जगह पर जाता हूं, रेस्टोरेंट्स में जाता हूं, बड़े बड़े वहां साइंस लगे हुए और किसी जगह पे किसी रेस्टोरेंट में आपको कोई शख्स सिगरेट पीता हुआ नजर नहीं आएगा, एरोप्लेन्स में, इवन बसेस में। नहीं नहीं अतीफ भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लोग रेस्टोरेंट में सिगरेट पी रहे हैं जनाब, ऐसा ही है। आप पता नहीं कौन सी दुनिया में है फैसल साहब। फिर सही सर, ठीक है, आप लोग रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, आप कैफेज की बात कर रहे हैं कि वहां पर अगर लगा भी हो कि नो स्मोकिंग जोन है तो स्मोकिंग कैसे सर, एक मिनट कैसे सर, कैफे का मैं के लिए एक डेजिग्नेटेड एरिया होता है, सही हर जगह फॉलो नहीं हो रहा होता। ठीक साहब, डॉक्टर साहब प्लीज हमें थोड़ी सी इस बारे में भी बात करनी पड़ेगी कि आखिर कैफे एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन इस सिलसिले में क्या सोच रखती है। जैर तलहा इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, तलहा साहब बहुत शुक्रिया, आप कैसा देखते हैं इसको शीशे से पाबंदी हटना, यानी पहले लगी और अब हटती है, हाउ डू यू सी दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आप लोगों का आपने हमें यहाँ बुलाया और हमारी बातें आप लोग सुन रहे हैं। शीशे से जो शीशे पे बैन लगाया बिल्कुल हट जाना चाहिए, मियाँ साहब की मैं फेवर करता हूँ इस बात की, क्योंकि इस पे जो एक इनकम है अभी वो गवर्नमेंट की तरफ नहीं जा रही, जिस पे जो एक टैक्स है जिसको बैन लगाया गया वो अभी तक गवर्नमेंट को वो नहीं मिल रही। आप इस बात को देख लें, अगर एक कोई रेस्टोरेंट 50 शीशा सेल करती है तो आप उस पर 100 रुपीज़ आप लगाएंगे तो 5,000 आपके एक दिन के आएंगे, तो मंथली वो हो जाएंगे 1.5 लाख, ईयरली हो जाएंगे आपके उससे जो हेल्थ हैजर्ड जो आप हेल्थ हैजर्ड की बात करते हैं, कड़वा घूट उस हेल्थ हैजर्ड के लिए पी लेती है। आपकी मैं बात कर रहा हूँ, ये एक सिगरेट स्मोकिंग सेम है, शीशा उसी तरह है, ज्यादा है उससे खतरनाक नहीं। आप इस पे रिसर्च करें, आप इस गूगल पे चले जाएं, गूगल पे जाएंगे डॉक्टर कैसर साथ मौजूद हैं, डॉक्टर कैसर साहब कह रहे हैं देखें, ही इज अ डॉक्टर नहीं बिल्कुल वो कह सकते हैं, लेकिन जो इंग्लैंड यूएई सऊदी से रुकेगा कैसर साहब। जी जी एक चीज बता दूं, सलाह एक चीज जो 2 मिनट के लिए मैं डॉक्टर बताना चाह रहा हूं जी, 2 मिनट के लिए सलाह साहब के लिए मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, जो हेल्थ हैजर्ड है वो एक चीज बता दूं सबके लिए कि WHO ये कहती है, ये कोई मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, ये WHO कहती है कि अगर आपने 1 घंटा शीशा पिया तो आपने 200 सिगरेट पी लिया। अब आप खुद ही अंदाजा करें कि क्या आप ऐसी जो सेहत से मुताल्लिक इंजूरियस है उसको आप किस तरह से रेगुलेट करेंगे? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब बिल्कुल टाइम लिमिटेड है। WHO का कानून सिर्फ पाकिस्तान के लिए लगेगा, UAE में नहीं लग सकता।
डेवलप्ड वर्ल्ड में नहीं लगेगा। ठीक है, मैं तो जल्दी से बता दीजिए। देखिए डॉक्टर साहब ने कहा कि आप एक गंदा शीशा पिए तो 200 सिगरेट आप पिए, आप मैं 200 सिगरेट और डॉक्टर साहब को दे दूंगा अगर वो पी लें, वो अपनी जगह से उठ के दिखा दें शीशा। अगर वो पीते हैं, कोई भी पीता है, अगर वो 3 घंटे भी पीता है उसमें इतने, मैं आपको इसके अंदर टोबैको है, 30% इसके अंदर हनी है, 20% इसके अंदर ग्लिसरीन है। तो इसको आप देखा जाए सिगरेट के अंदर तो 100% टोबैको है, तो सिगरेट ज्यादा खतरनाक हुआ है, शीशा ज्यादा खतरनाक हुआ है। छोड़िए, मुझे जरा ये बताइए कि जो अतराफ में लोग मौजूद हैं, खासतौर पर जो बच्चे आ जाते हैं और वो शीशा पीने लग जाते हैं, उसको नॉन स्मोकिंग जोन बनने चाहिए हर रेस्टोरेंट में, हर जगह पे। गवर्नमेंट को जो इनकम आएगी, जो रेवेन्यू आएगा, आपको वो देखना चाहिए। ठीक है, अभी गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, सब चीज अपनी बताइए, आप लोग इस चीज को मेक श्योर करेंगे? बिल्कुल मेक श्योर करेंगे। 18 ईयर से जो कम उम्र के लोग हैं उनको नहीं देने चाहिए। इंश्योर किया था? बिल्कुल किया था। देखें, हम जो एसोसिएशन, सुने मेरी बात, जो एसोसिएशन है इस बात को फॉलो कर रही है कि जो इसके रूल रेगुलेशन उस तरह होने चाहिए, कम उम्र को नहीं देनी चाहिए, उसके जोन बनने चाहिए, हेल्थ के हैज़र्ड जितने चीज़ें वो फॉलो करने चाहिए। ये हम इस पर काम ऑलरेडी कर चुके हैं और कर भी रहे हैं और अवेयरनेस लोगों को दे भी रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं हो चाहिए। ये कोई और अलग चीज़ नहीं है, ये तो हमारे रवायत में है, ये पुश्तों से चल के आ रही है। आप देखें, आपके ये गाँव में, देहातों में, ये तो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। इसे आप शीशा ना कहें, इसे आप कहें हुक्का, हुक्का कह दें। ये कब से चल के आ रही है, अब आइए आप इसे, चीज पहले से चल के आ रही है, उसके नुकसान है, उस पर बात तो बहरहाल करते हैं। एनीवेज, आपका पॉइंट आ गया और कैसे साहब आपका भी पॉइंट आ गया, जिसने आपने WHO का हवाला दिया और अतीक साहब आपने भी कहा कि तो और किसी मुल्क में कोई कानून है तो यहाँ पर भी लागू होना चाहिए, बट उसमें अगर हेल्थ हैजर्ड का फैक्टर है तो उस पर जब रिसर्च भी हो रही है तो उस पर बात करना भी बहुत जरूरी है। बहुत शुक्रिया, ये तीनों मेहमान हमारे साथ थे। अब हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आप क्या जान सकेंगे वो हम आपको बताएंगे। हीर मानेगी के नहीं, ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा इतने भी बिजली जान दी, उतने भी बिजली जान दी है पाकिस्तानी ने, न्यूयॉर्क में भी ऐसा होता है। और इसके अलावा एक संजीदा मामला कि पाकिस्तान में छोटे छोटे बच्चे बड़ी तादाद में हार्ट पेशेंट है, क्या है इसके रीजन, ये सब हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। नया दिन में नए सिरे से खुशामदीद, और हमने आपको बताया था कि बिजली यहाँ भी जाती है और वहाँ भी, तो सबसे पहले कर लेते हैं बात यही, यानी न्यू कराची से न्यूयॉर्क तक बिजली जाती है, अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क, यहाँ पर बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन हुआ। क्या ग्लोब बनाया हमने, जिससे कई इलाके अंधेरे में डूब गए। यानी अगर आप सिर्फ सोचते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा होता तो जनाब वो देखें सुपर पावर अमेरिका, वहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। तो हजारों लोगों ने क्या किया, वही जो कराची वाले करते हैं, लाइट जाने के बाद बाहर निकल आते हैं अपने घरों से, फ्लैट से। तो ब्रेकडाउन के सबब मैनहट्टन में 40,000 से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हुए, और सबवे स्टेशन की बात करें यहाँ पर ट्रेन की आमदरफ्त मुअत्तल हो गई, जबकि ट्रैफिक का निज़ाम ये भी बुरी तरह से मुतासर हुआ। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये ब्रेकडाउन तो ट्रांसफार्मर फटने की वजह से हुआ था, और इसका असर सारी दुनिया में लाइट्स और बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक बिलबोर्ड्स के लिए मशहूर टाइम्स स्क्वायर पर भी हुआ। यहाँ भी अंधेरा था, कई घंटे लोग लिफ्ट में फंस कर रह गए, कई घंटों की कोशिशों के बाद बिजली को बहाल किया गया, यानी सबने नारा लगाया है फिर रहे लाइट आ गई। ये नहीं कहोगे, अच्छा वैसे ये भी होता है, जब हम कंपेयर करें कि न्यू कराची टू न्यूयॉर्क, तो जब पाकिस्तान में बिजली आती है, जब भी वापस आ जाती है, जब भी आ जाती है दोबारा जाने के लिए जो थोड़ी देर आती है कुछ चुटकी बजाने के लिए आती है, तो उसमें बड़ा रिएक्शन अच्छा सा आता है ना कि वाह अल्लाह तेरा शुक्र है कि बिजली आ गई। तो कहने वहाँ पर ऐसा था जब न्यूयॉर्क में बिजली वापस आई, जी वहाँ पे तो बड़ी खुशियाँ मनाई गई, देखते लोग थोड़ा डरे भी, घबराए भी, खुश भी हुए, क्या क्या कुछ हुआ हम आपको दिखाते हैं। चीका मारिया ने इन्होंने खुशी से, जाहिर ही बात है किरण वो इतने तवील ब्रेकडाउन, लाइट आ गई, लिप सिंक करके देखें इस पे, कर ट्राई करते हैं। लाइट इज हियर, माय गॉड, कुछ देर के लिए तो मुझे लगा स्मार्टफोन छोड़ के आप वापस उधर ही चले गए। हाँ ये अच्छा पॉइंट है, स्मार्टफोन ना यूज कर, टेंशन नहीं होती कि चार्ज करना है आपने। Anyway, वहाँ पे उनको हुई थी थोड़ी सी देर के लिए। एनीवेज, नया दिन अक्सर ऐसे मामला उठाते हैं जिसपे हमें रिस्पॉन्स मिलता है गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का। आपको याद होगा एक मामला हमने उठाया था इस्लामाबाद के चिड़ियाघर, मरगजार चिड़ियाघर का, वहाँ की जो हालत है वो कैसी है, वहाँ जानवरों को किस तरीके से रखा जाता है, हमने भालू की बात की थी। तो अब हम देख रहे हैं कि ज़िलाई इंतज़ामिया ने निजी इदारों से इससे मुतालिक मदद तलब कर ली है, और इंतज़ामिया ने कहा है
कि प्राइवेट इदारे मर्गज़ार चिड़ियाघर को बेहतर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। इस पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया है अरहम खान ने। अरहम, पहले तो इंतजामिया मानने को तैयार नहीं थी कि इशू इतना बड़ा है, बट नाउ जब हमने इसकी बात की, मामला उठाया, तो अब देख रहे हैं कि वाकई उन्होंने मान भी लिया कि मसला इतना बड़ा है और फिर इदारों से मदद भी तलब कर ली है। इस्लामाबाद की जिलाई इंतजामिया ने मर्गज़ार चिड़ियाघर की हालत इज़ार को बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला कर लिया है। प्राइवेट कंपनीज और स्पॉन्सर्स के जरिए चिड़ियाघर की हालत को जो बेहतर बनाने का ऐलान किया गया है। अगर मौजूदा सूरत हाल की हम बात करें चिड़ियाघर के जानवरों की, तो कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि बहुत सारे जो जानवर हैं वो मर गए थे, कुछ नायाब परिंदे भी मर गए थे, ब्राउन रीच भी जख्मी है, कावन की जो हालत है वो भी ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है, मगरमच्छ का किस्सा भी हाई कोर्ट में जेर बहस रहा है। तो अब इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर आमिर अली अहमद ने यह फैसला किया है और मुखय्यर हजरात और निजी कंपनियों से ये अपील की है कि वो फलाह बहबूद के जरिए चिड़ियाघर के जो जानवर हैं उनका ख्याल रखें, उनके साथ मिलके। अब देखना ये होगा कि ये जो जिला इंतजामिया ने कदम उठाया है, फैसला किया है कि जो निजी कंपनीज हैं, मुखय्यर हजरात हैं, वो यहाँ पर आएँ और जानवरों की मिल के जिला इंतजामिया के साथ देखभाल करें, तो कितने लोग आते हैं यहाँ पर और इनका हाथ बटाते हैं जानवरों की देखभाल के लिए। जिस तरह से जिस गेट के सामने मैं खड़ी हूँ, यहाँ ये एंट्रेंस गेट है और इसको भी काफ़ी जो है वो रंगों से मुजयन किया गया है, रंगो रोगन दोबारा से किया गया है, शेर बनाया गया है, हाथी बनाया गया है इसके ऊपर, तो कुछ कुछ असरात हमें नज़र आ रहे हैं तब्दीली के। अब देखना ये होगा कि अंदर कितनी तब्दीली आती है, क्योंकि गेट से शुरुआत तो हो चुकी है तब्दीली की, बहुत खूबसूरत सा पेंट हो चुका है, लेकिन अंदर क्या तब्दीली आएगी ये तो वक्त ही हमें बताएगा। यहाँ पर ये भी मैं आप लोगों को वाजे कर दूँ कि जब हाईकोर्ट में केस चल रहा था, वजारत मौसम आती तब्दीली और MCI के दरमियान तो जीत हो चुकी है अब वजारत मौसम आती तब्दीली की, और MCI से ये चार्ज ले लिया गया है वक्ती तौर पर और ये चार्ज दे दिया गया है अब वजारत मौसम आती तब्दीली को। तो अब ये MCI और वजारत मौसम आती तब्दीली के बीच की एक जंग है, वो किस हद तक जानवरों के ऊपर असर अंदाज होगी, यहाँ के जो बासी हैं वो आया उनकी हालत बेहतर होगी या मजीद ख़राब होगी। अब एक इकदाम तो सामने आ गया है ज़िला इंतजामिया की तरफ से और ये अपील की गई है लोगों से कि वो यहाँ पर आएँ और जानवरों की देखभाल करें और चिड़ियाघर की जो हालत है उसको बेहतर बनाने के लिए इंतजामिया का साथ दें। जी, लेट्स होप अरहम के चीज़ें बेहतर हों। एटलीस्ट अब अगर सोचा भी जा रहा है, इदारों से मदद ली भी जा रही है, तो आई होप कि चीज़ें बेहतर। यहाँ पर रोशना शाह मुझे याद है जो कहती थी कि अगर जानवरों को सही तरीके से पाल नहीं सकते, वो चाहे घर में आप रख रहे हैं, कहीं और रख रहे हैं, मिनी सा चिड़ियाघर आपने बनाया या कहीं बड़ा चिड़ियाघर है, तो फिर आपको कैद नहीं करना चाहिए उन जानवरों को जिनकी आप देखभाल नहीं कर सकते। क्या याद करा दिया ना आपने, और ये वाकई बहुत वैलिड पॉइंट है। अब इस मामले में कोई जुगाड़ नहीं हो सकता ना, लेकिन जुगाड़ हुआ है। जुगाड़ हुआ है आपको दिखाते हैं जुगाड़, आपको ले गई जैसे वो कार है, बट वो कार नहीं है, बेकार भी नहीं है, वो बाइक है। तो लाहौर के शहरी ने मोटरसाइकिल पर कार का स्टीयरिंग लगाया और सबको हैरान कर दिया, लेकिन मैं सोच ही रहा हूँ किरण, वो जो स्टीयरिंग लगाया है, जो इसने पूरा घुमा दिया तो फिर क्या होगा? पूरा घूम गया और बाइक भी पूरी घूमेगी ना खैर अब ये इन्होंने वीडियो बनाई और ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, लोग कह रहे हैं कर ले जुगाड़ कर ले। भाई नेक्स्ट लेवल। मोड़ते कैसे हो यार? क्या पता उसने सोचा है कि मैंने स्टीयरिंग ले लिया, इसमें गाड़ी में डलवा लूंगा, अभी फिलहाल बाइक डलवाई है। ये जितना तेजी से ना प्राइस ऊपर जा रही है ना, तो उसमें स्टीयरिंग ही आता था। बात तो सही है। जी चले, अब मुस्तकबिल कैसा होगा अगर ऐसे ही रहा, यही हालात रहे, हम और आप सोच सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी, हम यही सोच सकते हैं। लेकिन क्यों ना आज हम आपको माजी के झरोखों में लिए चले। 18वीं और 19वीं सदी में मुगलिया दरबारों में रक्स होता था, मुसीकी होती थी और तबला इसका खास हिस्सा हुआ करता था। ये बात अभी भी ऐसी ही है, अगर कोई अच्छा सा ट्रैक है तो वो बिना तबले के नहीं। इसको प्ले तो अलग अलग अंदाज में किया जाता है, लेकिन बनाया उसी तरह से जाता है, जो सुनता है सर धुनता है। अंदरून लाहौर अभी भी तबला बनाने का फन कैसे जिंदा है, तहमीना अहमद बता रही। बाप दादा से विरासत में ये फन सीखने वाला नासिर महमूद कई दहाइयों से तबला बनाने काम कर रहा है। मुख्तलिफ चमड़ों से किनारे तैयार करने के बाद लोहे के पाउडर की तह लगाना किसी माहिर ही के हाथों का कमाल हो सकता है। पीतल में भी बनता है, लोहे में भी बनता है, तांबे में भी बनता है और लकड़ी में भी बनता है। लकड़ी वाला जो है वो आजकल कवाल इस्तेमाल करते हैं।
दायां और बायां नामी तबले की इस जोड़ी के बगैर हमारी रवायती मौसीकी मुकम्मल नहीं होती। पहले ये जिस टाइम हीरा मंडी आबाद थी ना, उस टाइम ये काम बहुत था कि हर आदमी का किसी का फट जाना है, किसी का ये कालम उतर जाना है, उसने बनवाना है। अभी वो खत्म हो गई है, वो काम भी खत्म है। 10% हो तो वो कुछ नहीं होता। मुगलिया दौरे हुकूमत के वक्त दरबारों में भी तबला बजाना और सुनना तफरी का अहम जरिया रहा है। जनाब नया दिन, पुरानी रिवायतें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें मुख्तलिफ शहरों से रोजाना आपके सामने लेकर आएगा। वादा नहीं करते, कोशिश पूरी करेंगे। लेकिन और जो मसाइल आ रहे हैं, जिन मसाइल का हम सामना कर रहे हैं, वो सेहत से जुड़े हों, तो उसका जिक्र भी हम लाजमी लाजमी करते रहेंगे। और आज भी हमने ऐसा ही मामला आपके सामने रखना है। मुल्क में हर साल 60,000 बच्चे किसी ना किसी तरह आर्ज़े कल्ब के साथ पैदा होते हैं, यानी वो पैदा होते हैं तो उनको हार्ट का कोई मसला होता है। जामिया कराची में बच्चों के अमराज़े कल्ब के इलाज की सूरत हाल से मुतालिक एक सेमिनार हुआ था, और इसमें यह इंकशाफ किया गया था कि बलूचिस्तान, यहाँ पर दिल के मरीज़ बच्चों के लिए कोई इदारा मौजूद नहीं है। यानी मुल्क भर की सूरत हाल हम देखते हैं, इदारे तो हैं नाकाफ़ी ही सही, लेकिन बहरहाल हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी फिगर है कि 60,000 किड्स जो कि पैदा हो रहे हैं आर्ज़े कल्ब के साथ, और इसमें बलूचिस्तान का भी एक डेफिनेटली फ्रैक्शन है, और वहाँ पर कोई इदारा ही मौजूद नहीं, तो उस पर बात करेंगे। एग्जैक्टली कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब में शोबा अतफाल की सरबराह हैं प्रोफेसर डॉक्टर नजमा पटेल साहिबा, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया। 60,000 बच्चे जो पैदा हो रहे हैं अमराज़े कल्ब के साथ, ये स्टैट्स ये तो इंतहाई तशवीशनाक हैं। नजमा साहब, आपको आवाज आ रही है? इंटरप्ट हो गई थी, अब आ रही है। जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो स्टैट्स जो सेमिनार में भी सामने आए हैं, एक तो ये कितने तशवीशनाक है, और साथ ही बलूचिस्तान एरिया वाइज है बट एक बड़ा प्रोविंस है, तो वहां पर तो कोई इदारा ही नहीं है इनको केटर करने के लिए। नजमा साहिबा, आप तक ठीक आवाज़ आने की कोशिश करें, दोबारा आपसे रबता करते हैं ताकि जो इस वक्त टेक्निकल मसाइल है वो दूर हो सके। लेकिन बारह नाजरियों को एक बार फिर बता देते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं पाकिस्तान में, उसमें 60,000 की फिगर ऐसी है जिनमें हार्ट का कोई ना कोई इशू होता है, और ज़ाहिर है जब बच्चा है वो डेलिकेट है, उसका जो हार्ट का ये मसला है वो ज़्यादा पेचीदा है, उसको ठीक करना, उसको देखना, मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। और उससे भी ज़्यादा पेचीदा, उससे भी ज़्यादा इंतहाई दिल को पकड़ के बैठ जाने वाली सूरत हाल बलूचिस्तान में, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। जो बच्चा दिल का मरीज़ है उसके लिए कोई इदारा मौजूद ही नहीं, उसकी ट्रीटमेंट तो फिर उन लोगों के लिए जो बलूचिस्तान के अवाम है, जो वहाँ वालदैन है, उनके लिए ख्वाब है। तो डॉक्टर साहबा, अगर अब आपको आवाज़ आ रही है तो ये फरमाइएगा, 60,000 बच्चे हार्ट डिजीज उनको है, ये आदाद शुमार इंतहाई तशवीशनाक है, इंतहाई ख़तरनाक है। देखिए, ये पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड वह है कि जो भी 100 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से एक बच्चे को दिल का मसला होता है, ठीक है। उनमें से कुछ 35-40% बच्चे ऐसे होते हैं जिनको किसी ना किसी ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, ऑपरेशन है या बग़ैर ऑपरेशन वाले तरीक़ों से जिनका इलाज होता है। इनमें से 25% बच्चे वो होते हैं कि जिनको अगर एक दो साल के अंदर अंदर इनका ट्रीटमेंट ना कर लिया जाए, बल्कि बास का तो बहुत अर्ली उसमें वो एक दो महीने में, तो फिर वो सर्वाइव नहीं करते हैं। ओके, अच्छा डॉक्टर साहिबा, मुझे विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान बताइएगा, क्या ये रेशो वही है जो कि इंटरनेशनली है, या कि ये रेशो ज़्यादा है? जी देखें, कोई ऐसा स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन ये डिफरेंट जगहों के जो स्टैटिक्स हैं उसमें 8-12% तक का इंसिडेंस है, तो हम उसको एवरेज ले लेते हैं 1%। हो सकता है ये इससे कहीं ज्यादा हो, कम होने के चांसेस तो नहीं है, ज्यादा क्योंकि ज़्यादा रिपोर्ट कम होता है। मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि हम स्पेसिफिकली हार्ट डिजीज़ जो कि बच्चों उनकी बात करें, रीजंस क्या होती हैं, हेरिडिटरी होती हैं या कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, एक दूसरा ये क्या बर्थ से पहले मालूम हो जाता है आसानी से अल्ट्रासाउंड से किसी और टेस्ट से कि मसला है हार्ट का बच्चे को? अच्छा, इसकी वजह कोई ख़ास वजह नहीं होती है, ठीक, ज़्यादातर में कोई ऐसी वजह नहीं है कि जिसको इलाज रोका जाए या कुछ किया जाए। 2-3% चीज़ें ऐसी हैं जिसमें किया जा सकता है, बाकी ये कि डिटेक्ट किया जा सकता है, बिल्कुल डिटेक्ट किया जा सकता है,
जैसे अल्ट्रासाउंड होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे बेबी के, इसी तरह से फीटल एको होता है, लेकिन उसकी कुछ इंडिकेशंस होती हैं। हर बच्चे का फीटल एको नहीं किया जा सकता है। अच्छा, क्यों क्यों नहीं हो सकता? इसका नुकसान होता है? आपके पापुल नुकसान नहीं है, आप ये तो कहीं दुनिया में कोई नहीं कर सकता, इतनी पॉपुलेशन है, okay, okay. कितना फीटल एको करेंगे? सही। दूसरी बात, उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं और उसका जो मैनेजमेंट प्लान है वो इतना ज़्यादा नहीं है अभी, कुछ केसेस में ज़रूर है, और लेकिन अगर पता हो तो उसका बेहतरी ये होती है कि पेरेंट्स से काउंसलिंग हो जाती है कि व्हाट दे वांट टू डू। एग्जैक्टली, पहले से मालूम हो जाता है, अर्ली रेफरल है, लेकिन वो सब जब होता है जब आपके पास बहुत इंटीग्रेटेड मेडिकल केयर सर्विसेज हों। एग्जैक्टली, उसमें जब हम देखते हैं तो सहूलियात नाकाफ़ी हैं, और बलूचिस्तान में तो कोई सेंटर ही नहीं है, तो क्या बलूचिस्तान के जो पेशेंट्स हैं वहाँ पर सेंटर का ना होना, ज़ाहिर है वो एक बड़ा चैलेंज तो है, लेकिन अगर बच्चा पहले से कराची आ जाए, किसी बड़े शहर में आ जाए जहाँ पे एक अच्छा सेंटर, जिस तरह NICV इज़ अ गुड सेंटर, तो मामला हल हो जाता है, मसला हल हो जाता है? देखें, बहुत सारे पेशेंट NICVD क्योंकि सबसे पहले बना है, सेंटर भी सबसे पहले बना है, तो बहुत पूरे पाकिस्तान से मरीज आते हैं, बलूचिस्तान से भी आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा से भी आते हैं, लेकिन बात सारी वही है कि NICVD अकेले पे इतना लोड अगर होगा तो वो इन टाइम तो नहीं कर सके, इलाज तो सबका होता है जो आता है, लेकिन दूसरा ये कि इतने दूर शहरों से आना और फिर इट इज़ नॉट वन टाइम के एक ही मर्तबा आ गया और बच्चे का मसला हो जाएगा, इसमें मेजॉरिटी चीज़ों में उनको ज़िंदगी भर आना होता है। अच्छा, तो नजमा साहिबा मुझे ये भी बताइएगा, NICVD में स्पेसिफिकली बच्चों का जो इलाज हो रहा है, रोज़ाना कितने ऑपरेट हो जाते हैं, रोज़ाना OPD में कितने बच्चे आते हैं मुल्क भर से? हम जो देखते हैं रोज़ाना जो है, साल में हम तकरीबन 35,000 बच्चे देखते हैं, और उनमें से 12,000 वो हैं जो पहली बार हमारे पास रजिस्टर हुए हैं। अच्छा। और सर्जरीज हमारी साल में 1100 से 1200 होती हैं जो हमारे पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन करता है। ओके, लास्टली बस मुझे ये बता दें, उन पेरेंट्स के लिए ज़ाहिर है खुदा ना खास्ता जिनको मालूम हो, जब हो जाता है कि कोई मसला है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या राइट आफ्टर बर्थ, उनको फौरन क्या करना चाहिए? नजमा साहब, आप जी जी, आपको अगर आवाज़ आ रही है, मैं जानना चाह रहा हूँ उन पेरेंट्स के लिए, ज़ाहिर है कुछ जगहों पर ये भी कहा जाता है कि क्योंकि बहुत छोटा बच्चा शायद सर्जरी ना करें, अब थोड़ा बड़ा होगा फिर सर्जरी करेंगे, ये दिल के मसाइल से मुतालिक मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है हर के सर्जरी नहीं हो सकती है, हर एज में हर वजन पे सर्जरी हो सकती है, दो दिन के बच्चे की भी हो सकती है। सही, यानी जैसे ही मालूम हो तो फौरन ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, किए जाते हैं। ठीक है। हाँ, देखिए, अब इसमें जैसे ही मालूम हो उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मसला हमारे पास ये है कि हमारे पास जैसे सेकेंडरी केयर और ये सब चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल फौरन लाने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ दिन बाद या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद भी आ सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास कहीं सब जगहों पे इस तरह के ट्रेन नहीं हैं लोग जो ये डिसाइड करें कि किसको भेजना है किसको नहीं, तो फिर बेहतर तरीका ये होता है कि जहाँ भी पता चले उसको फौरन भेज दिया जाए, ताकि फौरन मालूम हो जाए कि इसको कौन सा ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। सही, क्योंकि फैसिलिटीज़ हैं NICVD में। थैंक यू सो वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर नजमा पटेल, मौजूद थे, जिस तरह बच्चों से मुतालिक हम बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान एक अहम सूबा है, हम ये तो बात करते हैं कि बलूचिस्तान इज़ एन इंटीग्रल पार्ट, वहाँ पे गवादर वो चेंज करेगा सब कुछ, लेकिन हमने वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ भी तो प्रोवाइड करनी है, वहाँ पे एक सेंटर भी नहीं है जो कि बच्चों के हार्ट के मसाइल को कैटर कर सके। और अगर आपको ये सब नहीं पता था तो हमने इस जमने आपको काफ़ी कुछ बता दिया है, और हम आपको ये भी बताएंगे कि इस सिलसिले में क्या क्या कुछ कब कब कहाँ कहाँ होगा, लेकिन अब जो हम आपको बता रहे हैं उसमें भी आपका पूरा पूरा इंटरेस्ट है, मुझे भी पता है कि आपको मालूम है घर बैठे खाना पकाकर लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। अब पकाने में इंटरेस्ट हो ना हो, कमाने में सबका है ना। बिल्कुल, सियालकोट की बात कर रहे हो, यहाँ पर मुबशर सिद्दीक साहब हैं, घर में खाना पकाने की ये वीडियोस बनाते हैं और फिर इसी के जरिए खूब पैसा कमाते हैं। मुबशर अगरचे ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं, लेकिन खाना पकाने के लिए अपने यूट्यूब चैनल के जरिए वो माहाना लाखों रुपए जरूर कमा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे शहजाद अहमद ने उनसे बात की, तो जरा उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल शुएब और किरण, नया दिन हो, सरसब्जा हो, खेत खलियान हो, ट्यूबवेल हो, परिंदों की आवाजें हो, देसी माहौल हो और इसके साथ साथ देसी खाने हो,
तो क्या ही कहना। मैं इस वक्त हरदी गांव शाहपुर में मौजूद हूँ। यहाँ का एक नौजवान है मुबशर सदीक, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यूट्यूब पे, मुख्तलिफ किस्म के खाने बनाता है, ज़्यादातर देसी खाने होते हैं और बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया जा रहा है। 1.3 जो मिलियन व्यूवर्स हैं इसके, बहुत ज़्यादा मज़े मज़े की डिशेज़ बनाते हैं और अपलोड करते हैं और लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब मुबशर सदीक जो नई डिश जो है वो अपलोड करें, वो उसको देखें, उसको ट्राई करें बनाने की और उसका टेस्ट लें। मैं इस वक्त उनके गांव में ही मौजूद हूँ। मेरे अकम में मुबशर लतीफ सदीक जो है वो बैठे हुए हैं, हंडिया जो है वो पे है और हम उनसे थोड़ी देर में पूछेंगे कि वो आज क्या बना रहे हैं। वो बेसिकली आज हमारे लिए ही बना रहे हैं, जो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हम इसको ट्राई भी करेंगे, हम इनसे बात भी करते हैं पहले। अच्छा मुबशर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि आप खुद तो बहुत मज़े का खाना बनाते हैं, आपने ये किससे सीखा? अपनी अम्मी जान से। मैंने जितने भी काम सीखे हैं ना, मिट्टी के काम भी मैं कर लेता हूँ, चूल्हे वगैरह बना लेता हूँ, और खाने अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा कुछ अम्मी जान से सीखा है। अच्छा आप कितनी इनकम हो जाती है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह 3-3.5 लाख जो है हो जाती है पर मंथ। 3.25 लाख पर मंथ इनकम है और ये सरहदी इलाका है, तो अगर कैमरामैन दिखाए तो हर तरफ जो है हरियाली हरियाली है, खेत हैं हर तरफ और बहुत ही खूबसूरत जो है वो नज़ारा है। बहुत दूर इलाका है ये, सियालकोट से तहसील पसरूर में है। इस नवाही इलाके में इस नौजवान ने यूट्यूब के जरिए अपने आप को मनवाया है और महाना 3.25 लाख रुपए तक ये नौजवान जो है वो कमाते हैं। ये जो खाना बनाते हैं, बनाने के बाद अपने वालद को ही टेस्ट करवाते हैं। हम इनके वालद से बात करते हैं, हमारे साथ उनके वालद भी मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी आप तो मजे मजे के खाने अपने बेटे के हाथ से खाते हैं? हाँ जी बिल्कुल खाता हूँ जी। कैसा जायका होता है? बेहतरीन जायका होता है और जिंदाबाद ही है, बेटा कहता कि जिंदाबाद ही है। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा मुझे बताएं कि कौन सी ज्यादा अच्छी डिश आपको लगी? सभी अच्छी पकाता, लेकिन जो मटन गोश्त है, मुर्गी रोस्ट है, मैं उन किन किन चीजों का बताऊँ आपको, जितनी भी पकाता बहुत ही मजे की होती है जी। बिल्कुल मुबशर सदीक जो कुछ भी बनाते हैं वो लाजवाब होता है। हम इनसे पूछते हैं आज ये हमारे लिए क्या बना रहे हैं, हंडिया चूल्हे के ऊपर है, इनसे ही बात करते हैं। अच्छा मुबशर साहब बताएं कि आज हमारे लिए जी। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह अम्मी हमारे लिए खाना बनाती हैं, मटन जो है स्पेशली या बड़ा गोश्त ईद पे बनाती हैं, सेम उसी तरीके से आपके लिए मटन बनाया जा रहा है देसी स्टाइल में, और ये अल्हम्दुलिल्लाह इतना मज़े का बनता है। अभी आप ट्राई करेंगे तो फिर आपसे ही पूछूंगा कि कैसा बना है, अपने मुंह से क्या कहना है। अल्हम्दुलिल्लाह असल में ये सारा कुछ जो है अम्मी के हाथ का टेस्ट है, मुझे तो खुद कुछ भी नहीं बनाना आता था, तो अब भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो साथ में बैठी होती हैं, वो थोड़ा गाइड करती हैं, तो फिर ही मैं सारा कुछ बना पाता हूँ। कौन सी डिश आपकी ज़्यादा पॉपुलर है? वो मैंने सीख कबाब बनाए थे अल्हम्दुलिल्लाह, वो तकरीबन 6.7 मिलियन जो है उसके व्यूज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। किरण और शुएब आपसे कुछ देर बाद हम ये मटन जो है वो टेस्ट करेंगे और अब आपसे इनसी डायरेक्ट बात करवाते हैं मुबशर लतीफ़ की, ताकि आपके मुबशर सदीक की अगर आपके जेहन में कोई सवालात हैं तो वो भी आप इनसे कर सके जी। बहुत शुक्रिया शहजाद, आप तो हमसे बात कर रहे थे लेकिन मैं तो चखना चाह रही थी मैं वहाँ जाके चखना चाह रहा हूँ ये माहौल बात से कह रहे हैं। यस और हांडी, मिट्टी की हांडी में पक रहा है किरण, बहुत सोना पकता है, बात करें इनसे, कर लेना। मुबशर हमें ज्वाइन करेंगे। मुबशर तो ये खाना पकाने का ये सिलसिला और ये वीडियोस बनाने का भी सिलसिला कब से स्टार्ट किया और आगे क्या सोचा? साथ साथ मैं आगे चल के पूछूंगा रेटिंग का भी आपसे। और मिर्चे ज्यादा तो नहीं डालते ये भी बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मुबशर सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है जी। अल्हम्दुलिल्लाह 2017 की जनवरी से मैंने वीडियो बनाना शुरू की, तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं वीडियो बनाते हुए और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में भी ये सिलसिला जो है जारी रहेगा। चलिए ये भी बताएं ना मुझे, आप ये वीडियोस बनाने का ये आइडिया कैसे आया और फिर आप क्या क्या करते हैं इस सिलसिले में, किसने हेल्प किया? आइडिया जो है ये छोटे भाई का था, मैं सियालकोट में स्पोर्ट्स कंपनी में जॉब करता था, वहाँ से हफ्ते को मैं आता था छुट्टी, इतवार का दिन मैं घर पे गुजारता था, तो इतवार वाले दिन अम्मी और अब्बू जान के लिए मैं
कोई ना कोई स्पेशल डिश जो है वो बनाता था। तो छोटे भाई जो हैं मुदस्सर सदीक, अभी वो साउथ कोरिया में होते हैं, उनकी मोबाइल शॉप थी और कंप्यूटर से रिलेटेड उनका काम था। तो उन्होंने मशवरा दिया कि आप खाना तो हर इतवार को आके बनाते हैं अम्मी जान और अब्बू जान के लिए, और खाना भी अच्छा बना लेते हैं, तो आप जो ये रेसिपीज़ हैं यूट्यूब पे शेयर किया करें वीडियोज़ की सूरत में। तो ये सारा आइडिया जो था ये मेरे छोटे भाई हैं मुदस्सर सदीक, उनका था। मुबशर, गजब आइडिया था, और जैसे आप कुकिंग कर रहे हैं ना, गजब का टेस्ट होगा ये तो मुझे पता चली गया। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ। अजरा, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की बात करते हैं कि भारतीय शिकस्त के बाद साबिक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की रिटायरमेंट से मुतालिक अफवाहें भी जेरे गर्दिश हैं, और ऐसे में भारतीय गुरुकार लता मंगेशकर धोनी की हिमायत में मैदान में आ गई। बहुत कम लोग जानते हैं ऐसा कि लता मंगेशकर क्रिकेट फैन है बाकायदा बाजाबिता, और वो फॉलो करती है मैचेस को। तो भारतीय मीडिया के मुताबिक लता जी ने महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट से रिटायरमेंट का इरादा तब करने का मशवरा दिया, उन्होंने कहा कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ट्वीट किया लता मंगेशकर ने, उन्होंने लिखा कि धोनी जी मैं सुन रही हूँ कि आप रिटायर होना चाहते हैं, बराए मेहरबानी आप ऐसा न सोचिए, मुल्क को आपकी ज़रूरत है, और ये मेरी भी दरख्वास्त है कि आप रिटायरमेंट का ख्याल दिल से निकाल दें। धोनी को छोड़े, क्रिकेट को छोड़े, अगर लता मंगेशकर की बात होती है ना तो हम सब उनको इतना ज़्यादा सुन चुके हैं कि एक एक लफ्ज़ ऐसा लगता है कि आप पढ़ें तो लगता है कि उन्होंने ही बता दिया, सुना दिया, गा दिया। हाँ हाँ, क्या बात है। अच्छा, बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी खबर भी हम आपके लिए निकाल के लाए कि आप जानते हैं इंसानी पैर इसका साइज बर्ड है? है जी जी जी। आप क्यों देख रहे हैं? नहीं, इतनी तेजी से भी नहीं बढ़ा कि आपकी सैंडल्स छोटी हो जाएगी। ऐसा नहीं है, वो जो किरण आर्ट्स था बेसिकली, नहीं करूंगी। नहीं नहीं, वो जो आर्ट्स था बेसिकली जस्ट बिकॉज कि हम 8-8 घंटे बैठ के काम अच्छा। करते हैं तो आज कम होता जा रहा है, तो कैसे वजन पड़ते पड़ते ना वो पैर का साइज बढ़ना शुरू हो गया। पूरी बात बताया करें आप, आधी बात बताया करें। स्टार्ट किया था पहले, इतना परेशान हो गई थी क्योंकि लास्ट 20 ईयर्स इसमें जो पैरों के साइज की अगर बात करें तकरीबन इसमें 2 नंबर का इजाफा, 2 नंबर 5 लाख साल पहले हमारे पैर तवील फासलों तक चलने, भागने, दौड़ने और शिकार करने को मुमकिन बनाते थे। हमारे पैरों की अर्ज इतनी जो आर्ज का तलवा था हुआ था। था तो आप जरा हाँ। तो उसमें लचक भी थी, उसका जो मसल था वो भी चेंज हुआ है। तो तकरीबन 15% तक आगे बढ़ने के लिए जो जोर लगता है ना उसमें, उसकी बात करें तो 40,000 साल कबल जो जूते ईजाद हुए उसकी वजह से सारा मसला हुआ है। तो क्या करें, जूते पहनना छोड़ दें? नहीं भाई, कोई मसला नहीं। अगर बढ़ रहा है साइज, ये थोड़ी होगा कि आपकी जिंदगी में साइज बढ़ जाएगा और आपको आपको जूता चेंज करना पड़ेगा आपको। हाँ, लेकिन ये फिर भी परेशान कर गई ये बात मुझे। नहीं कोई बात नहीं, चेंज करें यार, हम अगली खबर में चलते हैं। इतनी परेशानी की कोई बात नहीं है। लंदन लेकर चलेंगे आप? चलें ठीक है, अब आपने कह दिया तो, क्योंकि पिंक सी खबर है। पिंक है, ओके फिर तो आप बताएंगे। वैसे पिंक नहीं है, जर्दी थोड़ा डिफरेंट कलर है, सॉरी। तो लंदन में जो एक अजीबोगरीब परिंदा दरियाफ्त हुआ था वो गुत्थे से उलझ चुकी है। अच्छा, यानी वो हल्दी रंग का परिंदा था, पिंक बिल्कुल नहीं था। कौन कंफ्यूज था वैसे इस मामले में? मुझे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं कंफ्यूज था किरण सुबह। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो मेरे लिए स्क्रीन का कलर डिफरेंट था, रंग का परिंदा तो शोरबे में तो गिरा था ये, इसीलिए तो इसका रंग ऐसा हो गया था। और डालो आप ढेर सारी हल्दी, वैसे हल्दी इज गुड। तो बकिंगम शायर सारे परिंदे में मल दी, उसने खुद मली है ये, हमने किसी ने नहीं मली। तो बकिंगम शायर यहाँ से मकामी महकमा जंगली हयात को ये शोख नारंगी रंग का जो परिंदा मिला था ना, ये सालन की प्लेट से मिला होगा क्योंकि उसके बाद ही निकला था। दैट्स द रियल कलर, ये इतना खूबसूरत वाइट और सुरमई और ब्लैक था, चोंच की रंग का हो गया। अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। चलिए, मैंने बहुत देख लिया, मुझे अगली स्टोरी उसको मुझे ज़रा क्विकली शामिल करना पड़ेगा। एक खबर है हमारे साथ, थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है हमारे लिए भी आपके लिए भी, लेकिन हमें इसे रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। शऊर की कमी कहिए, जालिमाना रवैया कहिए, हकीकत या फिर कुछ और, मीरपुर खास के करीब एक गांव ऐसा है जहां वालिदैन ने अपने जिगर के टुकड़े को चारपाई के साथ बांध दिया। ये जो एक तस्वीर है ये सोशल मीडिया पर डाली गई और फिर इससे पता चला कि वालिदैन ने बच्चे को बरहना करके चारपाई के साथ उसको बांध दिया था। अब वो ये कह रहे हैं कि बच्चा तो जहनी मरीज है, दूसरे बहन भाइयों को नुकसान पहुंचा सकता था, इसीलिए हमको ये करना पड़ा। तस्वीर पोस्ट हुई तो पीपल्स पार्टी रहनुमा जुल्फिकार शाह ने इस सारे मामले का नोटिस लिया।
ये मामला क्या था, बच्चा कहाँ है, इसी सब पर कोशिश करेंगे कि मजीद भी जान सकें। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये शऊर की कमी की तरफ ही इशारा करती है। अगर इस बच्चे का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है तो भी ये कोई सलूक नहीं, कोई रवैया नहीं बच्चे के साथ, एक इंसान के साथ ये रवा रखा जाए। किस तरह से इन्होंने इसको चारपाई के साथ में बांधा और अब उसके बाद में ये कौन से बहाने बना रहे हैं, जरा ये भी तो देखिए, जरा इस सिलसिले में कुछ तो सोचिए। नोटिस लिया गया हुकूमत की जानिब से, अब देखते हैं कि इस सिलसिले में होता क्या है। जो भी हो ये गैर इंसानी सलूक है, गैर इंसानी रवैया है और इंतहाई शर्मिंदगी की बात है इनके वालिदैन के लिए कम अज़ कम। आगे बढ़ेंगे और जिस तरह हम जिक्र कर रहे हैं इस खबर से मुतालिक, एक ब्रेक ले लें शुरू प्लीज। मान जाए हीर मानेगी या नहीं ये बात करेंगे ब्रेक करेंगे ब्रेक के बाद। हम मान चुके हैं ब्रेक के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू नया दिन। मैं हूं फहीम और हम वापस आए हैं, अभी हम बैठे हैं। किरण आप कुछ कहेंगी? बिल्कुल एब्सोल्युटली। अस्सलाम वालेकुम जी, हमारे साथ हीर मांझा के कास्ट है। ये हरीम फारूक अली रहमान खान कास्ट हीर मांझा के साथ हमारे लीड्स असद जाफरी और उनकी हीरोइन इमरान रजा काजमी साथ में बैठे हैं। थैंक यू वेलकम। और साथ में मौजूद हसन और शमाई लाला लाला। आप लोगों को कैसा लगा इस एक्सपीरियंस, कैसा रहा आपका फिल्म बनाते हुए? जी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत मजा आया माशाल्लाह। हमारी चौथी फिल्म है एक साथ और मजीद इंशाल्लाह आती रहेंगी। किरण आपको ना एक्टिंग करनी चाहिए मेरे ख्याल से। तुम्हें कितनी दफा हर गेस्ट ने आके बोला शो पे, अरे शोएब बस टाइम ही नहीं मिलता। मेरा नाम फहीम है। गया, he's gone. आप क्या करते हैं, आपकी क्या और मसरूफियात हैं? मुझे आना पड़ेगा, आपकी हीर मान जाएगी फहीम मानेगा नहीं और आप मानेंगे ना। शुएब नाम है ना आपका इनका? शुएब तो सर कैसे? ओ कबीर, ये कबीर भी भूल चुका है कि कौन है ये। ठीक है, आप भी आ जाए वापस क्योंकि ये है ना, अगर हाइजैक कर तो हमें भी अब मान जा कि कास्ट इतने प्यारे प्यारे हाइजैकर्स होंगे तो फिर उनसे कौन ये कहेगा कि आप जो है ना वो हमें छोड़कर जाइए, हम आपको हाइजैक किए रखेंगे। हरीम तुम कहां से आई हो? अरे अली रहमान जी जी, मैं जी, हमारी शो हमारी मूवी हमारा शो है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस जी, हमारी मूवी बहुत अच्छी है तो प्लीज आप मूवी देखने जाइएगा। बड़ी पे बड़ी पे मेरा मेरा वो ड्रॉ था, मैं देख ही लिया है जिसमें टाइज पेमेंट आप लोगों ने की नहीं, प्लीज फॉरन कर दें। चेक प्रोड्यूसर होने के नाते शमाई लाला 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 आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट इज दिस लाला लाला लाला? ये फिल्म इनका नाम है, इनका इंस्टाग्राम पे हैंडल है जो हम में से कोई नहीं ढूंढ पाता, कोई नहीं ढूंढ पाता है। हम स्पेशल कोशिश कर रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट में, तस्वीरों में, वीडियोस में, और हम सारों को टैग कर लेते हैं मगर हम इनको नहीं कर सकते क्योंकि आई एम टू स्पेशल, इतना कॉम्प्लिकेटेड। आई एम जस्ट टू स्पेशल, बस इतनी सी रीजन समझा रहा हूं लोगों को कि कितना कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है। इनका नाम है शमाइल मगर ये लिखते हैं शमाया लाला 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 ज्यादा एलओएल तक जाने से पहले का सफर है ये मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा क्या कह रही हैं? मैं प्रोड्यूसर सर से पूछना चाहती थी कि क्या आपकी उम्मीदें हैं इसी पे, क्या आपको लगता है कि हीर मानेगी या नहीं? बिल्कुल मानेगी, मेरे ख्याल में हीर भी मानेगी, अली रहमान भी मानेगा और कबीर फहीम भी मानेगा। सारे मान गए तो बेचारे कबीर का क्या होगा? सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में ऑडियंस मान जाएगी और सब हमारी फिल्म देखने आएंगे और बहुत अच्छा लगेगा उनको। ये कुछ अंजुमन सताइश बाहमी का सा कुछ लग रहा है माहौल मुझे। अगर समझ आ गया आपको तो बहुत मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो ना कुछ मैं आपकी तारीफ करूंगा कुछ ऐसा सा बन गया, नहीं ऐसा नहीं लग रहा। नहीं हम किसी वरना तो बहुत ही बुरे नहीं। मेरा असल में मेरा एक पर्सनालिटी ये है कि मैं हर बंदे की तारीफ करता हूँ, माशाल्लाह सुभान अल्लाह
और सबसे ज़्यादा तारीफ तो मैं इस कॉम की करूँगा जो ईद पे हमारी फिल्म देखने जाएगी और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 16 को विच इज टुमारो कल हमारा पहला गाना रिलीज हो रहा है अडीमार तो बहुत ही कैची ट्यून है आई थिंक इंशाल्लाह आप देख सकते हैं अली रहमान खान को अपना हुनर दिखाते हुए जलवा टीजर दिखाएंगे हम थोड़ी देर में वैसे उसका हुनर दिखाते हुए हुनर दिखाते हुए क्या हुनर तो मेरा एक्टिंग है डांस नहीं डांस मेरा हुनर थोड़ी है कला डांस क्या डांस एक शौक है शौक शौक पूरा एक्टिंग शौक नहीं है हां एक्टिंग शौक हाँ एक्टिंग शौक है पैशन है और बस यही करीम आपने लगते हैं इतना काम लिया उनसे बीइंग प्रोड्यूसर कि वो बेचारे इस वक्त कंफ्यूज लग गए इनसे काम को इतना ले सर उस वाक्य का बताएं जब जिस साल आपने 24 ढोलकियों पे डांस किया था एक जमाना था जब मैंने 24 ढोलकियों पे एक साल में बहुत सारी प्रैक्टिस की थी जम के प्रैक्टिस की थी उसके लिए जी 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 जम के मतलब जम नहीं गया मगर जम के प्रैक्टिस की जम के प्रैक्टिस की थी अच्छा जितना अच्छी आप लोगों की केमिस्ट्री है शूट करते वक्त सेट्स पर इतना ही प्यारा इतना ही अच्छा माहौल था जी हलीम देखिए बात ये है कि केमिस्ट्री इनसे ना पूछे जवाब उसका सच में देंगे सच्चा खोल के रख देंगे सच में जवाब देंगे हम हमसे पूछे चलिए पहले आप सच्चा दे दे फिर आप झूठा दे दे ऐसे नहीं चलेगा थोड़ा ज्यादा वो हो जाते हैं रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि यार टीवी है तो आप सुनो टीवी बंद है लेकिन असल में इससे कहीं ज्यादा केमिस्ट्री इससे कहीं ज्यादा शोभा लगता है केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी सब और ये देखिए इसी तरह से मेन जोक चल रहा है इसी तरह कोई मजा इसी तरह खत्म यहीं पे हसन एक अप एंड कमिंग न्यू एक्टर हैं अभी इनको रिसेंटली इंडस्ट्री में इनका दाखला हुआ है और आजकल क्या कर रहे हैं आप मैं ईर मांझा एक फिल्म आ रही है मेरी उसकी प्रमोशंस पे लगा हुआ हूं मैं और अभी आपने गाना बिल्कुल मूवीज में ऐसा कुछ कैसी उन्होंने मजे की थी उनके एक्सप्रेशन देखिए आप मेरे ख्याल उनके बाद आए हैं हमने तो देखे थे इनके एक्सप्रेशन जिस तरह के दाखिल हुए थे हां सर इतना मुंह खुला और से हम खबर पढ़ रहे थे हमने इनको भी देखा और खबर भी देखी उन्होंने कहा खबर फोकस करें इन पर बाद में फोकस करें इसलिए मैंने इधर उधर देखना शुरू कर दिया था हां तकरीबन कोई 10 सेकंड बाद ये मूवी भी ऐसे तो नहीं लाइक नोट तो नहीं किया आपने ये क्या था क्या मैंने क्या किया देखे रिप्ले अब मैंने क्या किया ये यस एग्जैक्टली ही डिड इट लाइक दिस अच्छा आई वाज रॉन्ग मे बी हम टीवी पे कंट्रोल नहीं करते हम नहीं कर पाते झूठ बोला झूठ बोला था ओके जी देखिए नाज़रीन हजरात ये मुझे कहना लाजमी है क्योंकि हर टीवी शो पे होता है नाज़रीन हजरात अभी हम बैठे अगर आपको नाज़रीन हजरात ना बोलना हो अगर आप क्या बोलेंगे खवातीन हजरात मैं यही बोलूंगा कि अभी हम बैठे हैं कास्ट एंड क्रू ऑफ हीर मांझा द फिल्म प्रोड्यूसर साहब क्या एक्सपीरियंस रहा कुछ मने मजे के एनेक्डोट्स कुछ कुछ इन्होंने अली रहमान एक बहुत मशहूर एक्टर हैं बहुत बड़े एक्टर हैं और आप कैसे रहे उनके साथ क्या आपका एक एक्सपीरियंस रहा रीटेक्स कितनी की वो भी बताइएगा तंग कितना किया फहीम बात ये है मैं कह रही हूँ फहीम कौन है अली रहमान एक अच्छे एक्टर हैं माना बट उनके साथ काम करना इतना आसान नहीं होता बहुत क्रिएटिव सेंस के वो बंदे हैं तो सुना है मैंने कि उनका दिमाग ओवरड्राइव पे चलता है और वो क्रिएटिविटी की हद पार कर जाते हैं जो शायद नॉर्मल इंडस्ट्री के लोग नहीं समझ पाते मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल गलत सुना बिल्कुल गलत सुना है आपने ऐसा नहीं आई डिसएग्री आई थिंक ये वाकई इतना बहुत वर्सेटाइल एक्टर हैं बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस हां अच्छा सच इतना अब उनका फोकस इन पे कर लो इतना जबरदस्त वो हैं और बहुत तेज दिमाग चलता है कभी कभी लगता है धुआं निकल आएगा लेकिन ऑन अ सीरियस नोट अली बहुत नेक्स्ट लेवल एक्टर हैं और ना सिर्फ ये अच्छे एक्टर हैं बल्कि एट द सेम टाइम वेरी गुड ह्यूमन बींग टाइम पे आते हैं कभी तंग नहीं किया इन्होंने आप इनको पैसे लेट दो जल्दी दो ना दो ना दो फर्क नहीं पड़ता इंतहाई पैशनेट हैं और इनके साथ मजा ही ये चीज़ आती है कि अगर
क्योंकि लॉन्ग स्पेल्स होते हैं कभी कभार आप नहीं कर पर आपकी शूट लंबी हो जाती है सो इनके मुंह पे कभी 12 नहीं बजते तो वो आई थिंक एक बजता है जी नाज़रीन आपने सुन लिया प्रोड्यूसर की जुबानी प्रोफेशनल तो बाकी प्रोड्यूसर भी सुन ले ऑन टाइम बाकी प्रोड्यूसर्स जितने भी सुन रहे हैं ये तेरे कि पैसे का कोई मसला नहीं है पहले दे दिए जाए इनको आपकी जुबानी थैंक यू अरे आप कान बंद कर दीजिए बिल्कुल 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 सही कह बाकी डायरेक्टर्स के लिए पैगाम है हरीन वांट्स टू ऐड समथिंग मुझे पहले कॉल कर ले शायस्ता क्या कहना चाहोगी तुम सही मैं बिल्कुल अली बिल्कुल जो इन्होंने कहा पूरे इत्तेफाक अच्छा फहीम आपका अली रहमान के बारे में क्या ख्याल है मैंने सुना बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है और वैसे हैं तो आप क्या कहते हैं अली रहमान कैसा आदमी है देखिए जैसे शगुफ्ता ने यहाँ बताया कोशिश तो करता हूँ कि मैं लोगों पे ओपिनियन ज्यादा ना दूं मगर जहां तक मैंने उनका काम देखा ही इज सुपर्ब एक्सलेंट एक्टर हैं वो माशाल्लाह से उनका मैंने इंस्टाग्राम फॉलो करता हूँ एट अली रहमान खान और उनका और जितना मैंने उनका देखा है पर्सनल लाइफ में बड़े मजाहिया बड़े कोई एक खुश मिजाज इंसान हैं और जिनको हर बंदा पसंद करता है जहाँ भी जाते हैं आप तो नहीं मिली उनसे आपकी खुशकिस्मती तो नहीं हुई बस मैं महरूम होते होते रह गई मैं मिल ही ली क्या वो भी क्या महरूमियत है जो अली रहमान के साथ नहीं क्या बात है ओह माय गॉड वेरी डाउन टू अर्थ आई मस्ट से अली रहमान साउंड्स वेरी डाउन टू अर्थ ही इज अ एक्सीलेंट गाय माशाल्लाह अच्छा वैसे मुझे याद है आप लोगों की मूवी का नाम है हीर मान जा थोड़ा हीर के बारे में बात कर ले एग्जैक्टली खामोश हम कैसे मानेंगे हीर प्लीज अरे भाई अली रहमान के होते हुए किस तरह बात हो सकती है शुक्र करें अभी अली नहीं है यहां पे शुक्र करें अली नहीं है अंजुमन अंजुमन प्लीज बात करें यार अगर वो यहां पे होते तो फिर शायद तो और भी मुश्किल होती हीर वैसे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस फिल्म में किनके साथ इस फिल्म में कुछ अपने कैरेक्टर के बारे में बताइएगा अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइएगा कुछ तो बताइएगा और स्पेशली ये कभी से काम करना इतना अच्छा लगा मुझसे नहीं पूछेंगे अली रहमान के बारे में मैं नहीं इन सब ने काफी कुछ बता दिया क्योंकि आप सारा बता देंगे लेकिन आपका दिल बहुत अच्छा है आप जरूर अली रहमान के बारे में बताएंगे बहुत उन्हें भरोसा है इस पे बताएं जी क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका इस फिल्म पे और कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए और स्पेशली इस टीम के साथ काम करने आप तीसरी दफा अब इस टीम के साथ सारे आसान सवाल रखे लोगों ने प्रोफेशनल एक्टिंग कैपेसिटी क्यों आपको ये टीम खींच लाती है अपार्ट ऑफ द फैक्ट कि आप प्रोड्यूस भी कर रही है बहुत डेप्थ में जा चुके हैं आपने बहुत मेरे इसे इतना लंबा चौड़ा सवाल पूछ के खुद ही जवाब भी दे दिए इसका मैंने थोड़ा जवाब दे दिया थोड़ा मैंने व्यूअर्स के लिए जवाब दे दिया कितने सालों से कर रहे हैं फहीम भाई ये शो कर रहे हैं आप ही शो कितने सालों से कर रहे हैं माशाल्लाह वैसे वाकई कितना अरसा हो गया फहीम आपको ऐसे में ये मैंने इसलिए कहा कि हरीम फारूकी जो है लोगों ने इनको इनको लोग पता है लोगों को पता है कि एक्टर भी हैं मगर उनको ये नहीं पता कि इन्होंने ये फिल्म को प्रोड्यूस भी की है माशाल्लाह काजमी के साथ और जिनको नहीं पता पता चल तो आप जरूर जाएं और जाके मूवी देखें सवाल का जवाब ईद-उल-अज़हा पे आ रही है हीर मांझा जरूर देखनी चाहिएगा जरूर खास तौर पे अगर आपने जाकिर को एक्ट करते हुए देखना हीर को किसी ने मनाया या हीर ने खुद कहा कि मैं मानना चाहती हूँ मुझे मनाओ दोनों गलत तीनों चीजें ही हैं इनफैक्ट ये तो ऑडियंस को उधर देख के पता चलेगा ईद वाले दिन कि हीर मानेगी या नहीं मानेगी लेकिन इट्स अ लव स्टोरी रोमांटिक कॉमेडी है सब कुछ है इस फिल्म में ट्रेजेडी एक्शन रोमांस गाने और सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के लोग अपनी फैमिलीज के साथ जाके दैट्स ब्यूटीफुल क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि ये जॉनरा जो है प्रॉब्ली शायद हम फैमिलीज के साथ नहीं देख सकते बट ये कॉन्शियस एफर्ट था कि जब हम हीर मांझा बनाएं तो फैमिलीज जरूर आके ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है अब मुझे मैं ना ये मैं लाजमी पूछना चाह रही हूँ अब जबकि हम रिवाइवल की तरफ आ गए और फिल्म्स बन रही हैं अच्छी खासी तादाद में बन रही है अच्छा काम हो रहा है हम इसका इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं हम ऐसी वाकई इसी कॉन्सेप्ट के साथ में मूवीज़ बना भी रहे हैं कि भाई वाकई फैमिली आए और उसके बाद में जब वो लोग बाहर निकले तो फिल्म उनके जहन में रह जाए हम इसके लिए कितनी कॉन्शियस एफर्ट कर रहे हैं इसके बारे में भी प्लीज़ हमें बताएं मजमूई तौर से भी अपनी मूवी के अलावा भी
जी बिल्कुल, आई थिंक सारी जितनी भी टीम्स अभी फिल्म्स बना रहे हैं उनको रिवाइवल के बाद से ऑब्वियसली बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। हम लोग अपनी टीम में हमेशा हम लोगों का फोकस होता है कोई भी जिस फिल्म पे भी काम कर रहे हैं जैसी भी कहानी हो उसमें एक इम्पॉर्टेंट सोशल मैसेज को टच करें। हमने जानान में भी बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज को टच किया था, पर्ची में भी किया था, इस दफ़ा फिर हम बहुत ही सीरियस एक सब्जेक्ट को टच कर रहे हैं जिस पे जितना भी काम हो कम है। सही, बिकॉज ख़वातीन के लिए इस मुल्क में इतनी जितनी मुश्किलात हैं जिनका वो सामना कर चुकी हैं उसके लिए एक मैसेज दे रहे हैं, आवाम को एजुकेट कर रहे हैं। सो आई एम होपफुल कि इससे कुछ ना कुछ फुल लेकिन हमने जनान में भी ये किया था कि हम लोग आप प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप आर्ट फिल्म बनाते हो तो लोग कम देखने जाते हैं, अगर कमर्शियल मूवी होती है जिसमें हंसना होता है और यू नो शुगर होता है तो लोग ज़्यादा जाते हैं वो मूवी देखने, तो अगर आप सबलिमिनल मैसेजेस थ्रू आउट देते रहो लोगों को ताकि हल्के हल्के लोग एजुकेट होते रहें। और द बेस्ट मैसेज इन दिस फिल्म इज़ पॉजिटिविटी। आप जब जाएंगे अगर आप थके हुए हैं आप गुस्सा हैं आप फ्रेश होके आप फ्रेश होके विद अ स्माइल वापस आएंगे। एक बात और भी बता दीजिएगा, ये ना अब हर किसी को ना बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प चाहिए, वो जो लंबी ड्यूरेशन थी ना अब उसका ट्रेंड जा रहा है, मुख्तलिफ हम इंडस्ट्रीज में यही देख रहे हैं। आपकी फिल्म कितनी लंबी है? थोड़ी थोड़ी हमारी फिल्म मेरा 15 मिनट 6 दफा दैट्स इट। मेरा बिलीव ये है कि हम लोग हमेशा एक ऐसे कंटेंट बनाते हैं कि 10 घंटे का भी हो तो पता नहीं चलता। ओह ब्यूटीफुल, बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई। अच्छा कंटेंट की बात कर रहे हैं तो की बात करें हरी मुरली आप दोनों से मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ। बशीर एंड शगुफ्ता, शगुफ्ता एंड बशीर, व्हाटएवर, ठीक है। तो मुझे ये बताइए बहुत सी ऐसी मूवीज आप देखते हैं एक ही लाइन में बन रही होती हैं और स्पेसिफिकली जब हम कॉमेडी की बात करते हैं जू मानी जुमलों का इस्तेमाल हम अपनी मूवीज में देखते हैं बहुत ज़्यादा। एक तरफ हम रिवाइवल की तरफ हैं लेकिन एक तरफ हम कॉमेडी के लिए उन जुमलों का इस्तेमाल करते हैं कि फिर लोग उस पर डिस्कस भी करते हैं, वो चीज़ें वायरल भी होती हैं, ठीक है वायरल होती हैं बट उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्यों हो रहा है ऐसे और रुक रहा है या नहीं रुक रहा? आई थिंक बिल्कुल होता है, जू मायने तो शुरू से करते आ रहे हैं, कोई इतना वो आई डोंट थिंक इतना कोई आई डिसएग्री विद यू क्योंकि okay. इतना कोई कम्प्लीटली नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स कि क्या सिचुएशन है। अगर आपने ज़बरदस्ती कोई चीज़ डाली हुई है सिर्फ इसलिए कि लोग हंसेंगे या सिर्फ इसलिए कि आपने एक सर्टन मार्केट को कैटर करना है जू मायने जुमले डाल के, आई थिंक वो बुरा लगता है और वो एट टाइम्स थोड़ा नाकाबिले बर्दाश्त भी हो जाता उसकी है। परसेंटेज तो बहरहाल है इतनी, मतलब आई थिंक इतनी नहीं है क्योंकि कंपैरेटिवली टॉकिंग हमारी जो पाकिस्तानी फिल्म्स हैं दे मोर क्लीनर क्योंकि वो वाकई फैमिलीज को केटर करती हैं। मतलब फॉर इंस्टेंस आप फॉरेन कंटेंट देखेंगे तो उसमें वो प्रॉब्ली इतना ख्याल नहीं रखते हैं इन चीज़ों का कि हमारी फैमिलीज आ रही हैं कि नहीं आ रही। पाकिस्तानी सिनेमा का जो आपने पहले बात की थी वो यही थी कि जब हम फिल्म्स बना रहे होते हैं तो वी नो कि देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ मासेस दैट वी आर टारगेटिंग, देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ ऑडियंस दैट वी आर टारगेटिंग और हमारी ऑडियंस वो नहीं है जो इस तरह की चीज़ें प्रॉब्ली बर्दाश्त करती है या अच्छा लगता है नहीं अच्छा लगता हमें। अच्छा मैं ना थोड़ा सा बात करना चाह रही थी, ट्रेलर्स हम लोगों ने देखे हमें बहुत अच्छे लगे, आपको तो लोग वैसे ही इतना प्यार करते हैं वैसे ही इतना पसंद करते हैं तो ये बताइए आपको भी फिल्म को खास कर तो आप ये मुझे बताइएगा कि जब भी ना लोग मूवी देखते हैं तो वो सोच कर जाते हैं कि हीरोइन शलवार सूट भी पहनेगी, मैक्सी भी पहन कर आएगी, जीन्स भी होगी, लहंगा भी होगा और तो ये भी होगा तो वो भी होगा, ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया है, बहुत सारे जो है ना तरह के ड्रेसेस हैं हमारे हमारे से शलवार की मुझे और खवातीन के लिए इसमें इतने क्या कर रहे हैं ओ माय गॉड खवातीन के लिए इसमें इतने ब्राइडल ड्रेसेस हैं आई थिंक खवातीन खास तौर पे इस चीज़ को बहुत इंजॉय करेंगी क्योंकि हमें बहुत शौक है शादियों का और कपड़े देखने का और ये सारी चीज़ों का, ठीक है सही मज़ा आता है तो उसके लिहाज से वी हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी एज फार एज वार्डरोब इज कंसर्न्ड लड़कियों का वो बहुत है, कलर्स बहुत है इसमें, हमें तो घड़ियां और टाइज नजर आई हैं ज्यादा वो आगे अरे सब ट्रेलर में दिखा तो फिल्म पर्सनल कलेक्शन किसकी कबीर की लोकेशन ज्यादा इस्लामाबाद की है
ज्यादा इस्लामाबाद और कराची दोनों, और कराची दोनों नजर आ रहा है स्पेशल ट्रेलर में ना कि ज्यादा हमें इस्लामाबाद हम लोग क्योंकि हमें मजा आता है एक्सपेरिमेंट करने में. इट्स नॉट जस्ट एक्सपेरिमेंट, आई थिंक हमें एक्सप्लोर करने में मजा आता है. इस्लामाबाद वो शहर है जो इतना एक्सप्लोर हुआ नहीं है. ज्यादातर काम कराची, लाहौर, या अभी मेरा ख्याल है हमें जरूरत है कि हम अपना मुल्क दिखाएं. मैं तो कहता हूं इस्लामाबाद से भी आगे जाएं, गिलगित, हुंजा, कश्मीर, वो भी करेंगे, लेकिन इस फिल्म की स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट जो थी वो उधर की ही. ये लोग अक्सर पूछते हैं हमसे कि आप लोग बाइक नहीं शूट करते और ये हम यहाँ पे क्यों शूट करते हैं. तो जो मूवी एक वो है स्टोरी टेलिंग का जो मीडियम है उसमें पूरी दुनिया वो मूवी देखती है. छोटी होती है इसलिए ज़्यादा परसेंटेज जो है वो आइदर नेटफ्लिक्स हो, यूट्यूब हो, उनमें मूवीज़ देखते हैं. हमारी 20 ईयर्स से वो इंडस्ट्री बंद थी. तो हम लोगों ने सोचा ये था कि वी विल ट्राई कि हम लोग पाकिस्तान की ब्यूटी शो करें. आइदर वो इस्लामाबाद हो, जनान में हम स्वात गए थे, कराची हो, मतलब सारे सारे शहर हमारे इतने प्यारे हैं और हम वो दिखाएं लोगों को कि हम लोग भी उतने ही प्यारे लोग हैं जितनी बाकी पूरी दुनिया है. तो ये हमारा मेन रीज़न है कि लेट्स फोकस ऑन पाकिस्तान फर्स्ट. फिर 5-6 साल बाद जब दुनिया को पता चल जाए कि यार आप लोग इतने खूबसूरत हैं, इतने अच्छी जगह हैं, इतने अच्छे जोक्स होते हैं आपके, फिर हम बाहर भी शूट करें. और यू कैन अटेंड भाई अपने रोल के हवाले से भी बताएं. मेरा रोल, मैं जो मेन हीरो है अली रहमान जो प्ले कर रहे हैं उसका बेस्ट फ्रेंड मोजेस है और मोजेस का कजन मैं हूँ. ओके, बहुत लंबा रिलेशन है, बहुत बेसिकली ये मेरे पुप्पू के बेटे हैं. यू के रिटर्न तो चाचा का बेटा तो इन था. हाँ जी, कैरेक्टर का ये कि हम सब का मेरे ख्याल में एक दोस्त ज़रूर होता है जो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड सा होता है. उसको लगता है कि जो उसकी एडवाइस है वो सबसे बेस्ट है और देख रहा हूँ कोई तो वो कैरेक्टर उस तरह का बेस्ड है कि उसको लगता है कि वो बस सबसे बड़ी चीज़ ठीक है जी. और वो सब कुछ नहीं बताएंगे, सब कुछ देखने थैंक यू सो वेरी मच कैरेक्टर पे दिया है. थैंक यू, आप सबका बोल के आप शुक्र अदा कर दें हमारा. हम तो हाँ जी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर आप लोगों का. सर आप लोग, हम लोग एक चीज कहना चाहते हैं, हमारे डायरेक्टर ने एक रैप बनाया हुआ है हीर मांझा का, अगर आप लोगों के पास 2 मिनट हैं तो ही विल जस्ट सिंग इट बिफोर एंड द. तो हम आपसे कहते हैं अलाफेज विद थैंक यू, तो एंड करते हैं आप लोग रैप के साथ. हां, मैं जाना पड़ेगा. आप चाय के लिए रोका नहीं है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो, बहुत अच्छा लगा. आप बुलाते रहेंगे, आप इनके पास 30 सेकंड इनके पास 30 सेकंड कल हमारा गाना आ रहा है अदीमार और ईद उल अज़हा पे हीर मांझा. प्लीज प्लीज कंटिन्यू. देखो बाप सीधी स्ट्रेट जाए ईदी सारी आर्ट्स क्योंकि ला रहे हैं हम वो फिल्म जो भुला दे सारे गम. लाइक हमेशा जैसे यूं डराया, यूं हंसाया, यूं नचाया, मजा आया. नाउ अगेन येट अगेन यूं उठा दी हमने गेम. हिट चोरी, फिक्स स्टोरी, पंपी गाने, तो बहाने. अब नो क्वेश्चन अंडरस्टैंड, जो सवाल उठाएगा बच नहीं पाएगा. ज्यादा टेंशन डाली तो बहू समझाएगा, बहू समझाएगा. मेरे भाई मांझा, अरे हीर मांझा, अरे हीर मांझा. हीर की है क्लास और कबीर का है स्वैग. जेरी वेरी क्यूट और रैमजी ब्रैट. बड़े बूढ़े बच्चे प्यारे, लौंडे छेड़े बच्ची वाले, एवरीवन तो पाएगा लव एंड एक्शन. थोड़े थोड़े टीयर्स एंड टोटल सेटिस्फेक्शन. नो मोर क्वेश्चंस, जो सवाल उठाएगा बच नहीं पाएगा. ज्यादा टेंशन डाली तो बहू समझाएगा, बहू समझाएगा, बहू समझाएगा. मेरे भाई मांझा, प्यारे वीर मांझा, आगे वीर मांझा.